السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله يا holy, he عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. والصلاة والسلام على صفوة رسوله وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آل صحبه وجميع الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شهلي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقداد من لساني يفقه قولي سورة آل عمران من الله تعالى فرماته كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون अल्लाह वाले बन जाओ उस चीज की सबब जो तुम पढ़ते हो और पढ़ाते हो इंशाल्लाह अनफाल शुरू करते हैं मीनिंग अनफाल आयत नंबर ट्वेंटी फोर से मैं शुरू करना चाहूंगी कल कर हमने ट्वेंटी फाइव तक खत्म किया था ट्वेंटी फोर दोबारा पढ़ते हैं

यानी उस की तरफ बुलाते हैं जो जिंदगी बख्शने वाली है जान लो कि अल्लाह ताला इंसान के दिल और इंसान के दिल इंसान के दरमियान आदमी के और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है बेशक तुम अल्लाह ही की तरफ जमा किए जाओगे यानी इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम तो उन, उनकी उनकी आ, उनकी कॉल के ऊपर जवाब आंसर करने का मतलब ये है कि तुमने और वो ऐसी चीज है जो तुम्हें जिंदगी देती है अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे अगर हम शरीयत पर हुक्म उनके हुक्मों पर नहीं चलेंगे तो इसका मतलब है कि हम हमारे लिए किसका जिंदगी के क्या है मौत मौत का पैगाम है फिर पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि दिल मुर्दा हो जाते हैं और भी पढ़ा है कि जिंदा लाश की तरह है अगर हुक्म नहीं मानेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे कि इंसान चलता फिरता मुर्दा हो और जान लो कि अल्लाह उसके और उसके दिल के दरमियान फायल हो जाता है इसका मतलब ये कि जब इंसान कदम उठाता है इरादे करता है और चाहता है कि चलना तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है मुश्किल वो जो अः किसी हुक्म पे चलने के लिए जो मुश्किलात हैं उनको आसान कर देता है और अगर इंसान इरादा ना करे तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए छोड़ देता है इस तरह है कि वो और उसके तो जब भी कहते हैं तो उसकी वजह से अल्लाह उसको मौके फराम नहीं करता है तुम ऐसे फितने से बचो जो खासकर कर इन्ही लोगों पर वाकया ना होगा जो तुम में से गुनाहों के मुरतकब होंगे और जान लो बिला सख्त अजाब देने वाला है सिर्फ ये नहीं होगा कि जब कोई कौम में बुराई फैलती है तो ऐसा नहीं होता कि अगर स्पेशली अगर तुम बन काम बनाने वाले नहीं हो लोगों की इसलाह करने वाले नहीं हो अगर तुम इसह नहीं करोगे और सिर्फ अपने लिए ख्याल करते रहोगे तो फिर जान लो कि जब अजाब आता है तो उसकी लपेट में सब आते हैं लेकिन अगर तुम अल्लाह के लिए चलते रहोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें बचा लेगा जैसे कि हम नबियों के पिछले वाकियात से सबक हासिल किया है कि जिन्होंने काम किया अल्लाह ने उनको बचाया जिन्होंने अपनी मगन में रहे हैं चाहे छोड़ दो सप्त वालों का भी था उसमें भी लोगों ने एक दूसरे को कहा था एक ग्रो कह रहा है दूसरे को क्यों तुम उनको छोड़ते हो क्यों उनको नॉट छोड़ते हो मीनिंग क्यों उनको तुम न वाजौ नसीहत करते हो तो अल्लाह ने बता दिया अगर वाज़ो नसीहत नहीं करोगे तो खुद भी उसी के साथ मर जाओगे

अल्लाह ने ठिकाना दिया कैसे ठिकाना दिया मदीना पहुंचाया ऐसे और को बि नही अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेज के अपनी नुसरत के साथ तुम्हारी तयद की रजाक की बात चीजों में से पाकिजा चीजों में से तुम्हें रिस्क दिया शायद कि तुम शुक्र अदा करो अगर नियमतों की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला छीन लेता है और कदर करने का मतलब ये कि माल और दौलत जो अल्लाह पीछे भी बता के आ, आ, आया था माल और दौलत ये हमारे लिए फितना है अगर फितना है किस तरह से अगर इनको अच्छी तरह से अल्लाह की राह में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लाजमी अजाब का बस बायस बन जाएंगे यादी व रसूल ए ईमान वालों रसूल और अल्लाह के साथ खयान मत करो वह तखन अमान और ना ही अपनी अमानतों में कोई खयानत करो वह अंतुम तम जबकि तुम्हें पता है तुम्हें मालूम होता है खयानत करने का मकसद मतलब मकसद खयानत करने का मतलब क्या होता है किसी चीज को उसका हक देते हुए वापस ना अदा करना ये अमानत में खयानत है कोई भी चीज है आपके रिश्ते में अमानत है आपके माल में अमानत है आपके हुकूक में अमानत है अल्लाह के साथ अमानत है किसी भी चीज के अंदर खलल ना आए सही तरह से अपनी अपनी चीज का उसका वैसे वैसे ही आ, 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 उसको अदा कर दिया जाए

इन तक अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पैदा कर देगा फुरकान फुरकान क्या चीज होती है अल्लाह ताला ऐसे ऐसी चीजें पैदा कर देगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें अच्छाई अच्छ, अच्छी चीजों में और बुरी चीजों में फर्क नुमाया नजर आएगा कभी कभी इंसान होता है ना शक में होता है पता नहीं ये सही है नहीं है तो ऐसी चीजें अल्लाह ताला राख खोल देगा तुम्हें हेकमत की बातें देगा तुम्हारे सामने या कोई किसी की मशवरा आ जाएगा तुम्हारे सामने या कुछ भी अल्लाह ताला अल्लाह ताला के लिए तो हमें पता है कोई मुश्किल बात नहीं है अल्लाह तो अपनी छोटी से छोटी चीज से भी फायदा हासिल कर लेता है फासिकों से भी अल्लाह काम करवा लेता है तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है वो किस तरह सबब पैदा कर देगा हमें पता भी नहीं चलेगा अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा पैदा करेगा कि तुम्हें हक और बातिल में फर्क नजर आ जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और, न, मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा अल्लाह ताला तो बहुत ही फजल वाला हैकरुस बितू का या तो तुम्हें कैद कर दें या तुम्हें कत्ल कर दे या तुम्हें जिला वतन करें लेकिन अल्लाह उसके साथ मकर कर रहा था अल्लाह खैरमाकिन अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है और इसमें वही हम सोच सकते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्लानिंग हो रही थी कि उनको किसी तरह यहाँ से अब खत्म कर देना चाहिए इनका जोर बहुत हो चुका और ये मदीना में जाके सब जाके आराम से बैठ गए हैं तो रसूल को पहले ही खत्म कर दिया जाए नाक बिल्ला कह रहे थे कि कैद करें या कत्ल करें या जला करें और हमें मालूम है कि क्या हुआ था कोई वाकया याद दिलाएगा किस तरह उन्होंने हिजरत की थी फिर कैसे बच बचा हुआ था जी हजरत अली को अपने बिस्तर पे छोड़कर गए थे जी एक परिंदे ने आके वहां पे अंडा दे दिया घोंसला बना दिया और मकड़ी ने जाला बना दिया और वो छोड़ के जब गए थे हजरत अली को वहां से निकले कैसे थे कि उनकी आंखों के सामने निकले थे लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आया था और फैसला क्या हुआ था उन्होंने क्या किया था कि हर कबीले का एक बंदा मिल के आ जाएगा और मिल के हमला करेंगे ताकि किसी के ऊपर खून बहा की कीमत भी ना देनी पड़े अगर देंगे भी तो हर एक से तो नहीं लड़ सकते वो हर कबीले से इतने सारे लोगों से तो नहीं लड़ सकते वह इजात आ या तो ना कल ना और जब उनके ऊपर आयतें पढ़ी जाती हैं वो कहते हैं हमने सुन लिया लाउलनादा और कुफार भी ऐसा ही कहते थे यानी कहते हैं कि लशाउ हम चाहते हैं अगर हम चाहें तो हम भी इस तरह का लेकर आ सकते हैं यानी कुरान की तरह की हम भी आयते ले सकते हैं इस कुरान में तो सिर्फ पहलो की कहानियां हैं और जब उन्होंने कहा था जब उन्होंने कहा अगर ये आपकी तरफ से वाकई हक है यानी अपने ही खिलाफ बद कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ से वाकई हक है तो हम पर आसमान से पत्थर परसर, पत्थर बरसा दीजिए भी अलीम या फिर कोई अजाब ही कर दे खुद ही कहते थे कि अल्लाह अल्लाह से दुआ मांगते थे को तो मानते ही थे कि एक रब तो है ही लेकिन साथ में शरीक करते थे इसलिए उनको जाता है। तो ही को कहते थे कि अगर ये हक है तो हमारे ऊपर कोई अजाब लेम अल्लाह तला नबीम को कह रहे हैं हम कोई अजाब वाले भेजने वाले नहीं है जब तक आप उनके अंदर हैं ये तो अल्लाह की शान ही नहीं है कि इस हालत में अजाब भेज दे और ये एक और बात कि इस हाल में भी अजाब नहीं देगा कि वो इस्तार करते हैं उसमें इस्तार करने वाले मौजूद हैं तो इससे भी पता चलता है कि जब तक इस्तार करते रहेंगे जब तक अल्लाह की हिदायत अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं आएगा ये भी कहा जाता है कि मुसलमान ऑब्वियसली कौन स्तग्फार करते हैं मुसलमान लेकिन ये भी कहते हैं कि कही कहीं ना कहीं मुशरिक भी जब खाना काबे का तवाफ करते थे तो वो भी इस्तार के लफ्ज यूज करते थे तो कहने कहते तो वो अल्लाह ही से थे तो जब तक एक तरह से उनके लिए नॉट के वो स्तग्फार करते रहे और साथ में शिरक करते रहे ये सब जायज हो जाएगा नहीं लेकिन क्योंकि इस्तवार कर रहे हैं तो जब तक उनके पास अजाब नहीं आएगा बमा लहूँ अल्लाह अदबू और अल्लाह क्यों ना अजाब दे जिदराम जबकि उन्होंने मस्जिद हराम से रोक के रखा है अलिया तो उसके मतवली ना थे इन्ना अवलिया के अलावा मतकीन लोगों के अलावा कोई और काबा का मतवली नहीं हो सकता लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं और कुफारों की हज और उम्र कैसा होता था वमाय काना सला तो हम यानी अः बैत के नज़दीक में जब सल, नमाज पढ़ते थे खाना खाबा के नज़दीक तो वो सिर्फ और सिर्फ इलामुका तो मारते थे या तालियाँ पीटते थे भी तुम तक फुरून। सो चको उसकी वजह से जो तुम कफर कुफर करते थे बेशक के जिन लोगों ने कुफर किया वो खर्च करते हैं अपना माल ली या सदोअी के रोक सकें अल्लाह की राह से इमेजिन कीजिए एक काफिर है और वो पैसा खर्च कर रहा है जिसको कोई उम्मीद नहीं है कि उस पैसा खर्च करने से उसको कोई बाद में आखिरत में कोई अजर भी मिलेगा ये ऐसे लोग हैं और वो इतना खर्च कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए हमारे पास किताब मौजूद है हम क्यों अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं अल्लाह की राह में जबकि अल्लाह ने इतनी दफा बताया पढ़ के आए हैं सात सौ तक उसका अजर दे सकता है एक अमल का एक पॉइंट को सात सौ बना देगा दुनिया तक उसका अजर बाकी रहता है तो हमें क्या हो गया है कि हम अपना माल खर्च नहीं करते लेकिन यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि काफिर माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह से रोकने के लिए फसा यून फी खून आम तक अलहिम हसा रहा तो अल्लाह कहता है खर्च करते रहो बेश तुम यहाँ खर्च करते रहो यह सब कुछ हसरत का सबब बन जाएगा आखरत में नजर आएगा कि इससे तुम्हें कोई कुछ हासिल ना हुआ तुम मायूलाबून फिर तुम्हें गलबा तुम्हारे ऊपर गलबा तुम मगलूब हो जाओगे और यही वो काफिर हैं जिनको जहन्नम की तरफ आ, हाका जाएगा जमा कर दिए जाएंगे खबीस अमीन तयी ताकि अल्लाह ताला छाट ले खबीस को खबीस ख़ब, निकाल दे तयब में से वह यज अल खबीस अबाद अलाबाद और हर किस्म के खबीस को अल्लाह ने एक दूसरे के ऊपर सब के ऊपर जमा करके रख दिया है फिर डाल देगा सबको एक दूसरे के ऊपर और सबको जमा कर देगा सब, फिर इन सबको जहनों में डालेगा उलाय का हु यही ख, खसारा वाले हैं कुल नदी नु कह दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया इंत योग फिर अगर तुम बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए मकफिरत है मक़त सलफ उसके ऊपर जो पहले हो चुका व इं यू और अगर तुम वापस आओगे फकत मदत सुन्नतविन तो देख लो क्या पहलों का अंजाम हुआ पहलो की कहानियां भी इसी तरह गुजरी हैं फिर तुम्हें उनसे सबक हासिल करना चाहिए जो करते रहे हैं पहले के लोग वक़ात लूमह तक फितना अल्लाह तला फरमाते हैं मुसलमानों को लड़ते रहो यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे और तमाम का तमाम दीन अल्लाह ही के लिए होकर रह जाए फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह तला बसीरत वाला है जिसको वो देख रहे हैं अल्लाह ताला जो वो कर रहे हैं अल्लाह ताला देखता है जो करते हैं कितनी ही कि, की कौन लोग हैं जिनको जिन्होंने इतने मुसलमानों को तकलीफें दी हैं सारे वक्त ये सूरा अनफाल हम पढ़ रहे हैं ये कब नाजिल हुई थी मदनी मक्की सूर मक्की टाइम गुजार के आए हैं इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके आए हैं और उनको अल्लाह ताला कहता है कि फिन तह कि अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह इनके काम देख रहा है तुम तुम्हारे ऊपर कोई राह नहीं है कि तुम उनको पकड़ के मारो या तुम उनसे बदले लो इंतकाम नहीं लेना इंतकाम किसे अपने आप की ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लेना है अगर लेना है तो किस लिए लेना है हमने अल्लाह के लिए लेना है अगर कोई काम किसी ने नहीं किया गलत किया तो उससे इंतकाम लेना है कि उसने अल्लाह का रास्ता रोकने की कोशिश की ना कि हम अपने इंतकाम की वजह से जाति दुश्मनी की वजह से वाक्य याद है ना कि जब एक साहबी के तलवार के नीचे एक दुश्मन आ गया और उसने उसके मुंह पर थूक दिया हालांकि दुश्मन तलवार की जद में था चाहते तो उसी वक्त उसको कतल कर सकते थे लेकिन छोड़ दिया उस वक्त इसलिए कि अब क्योंकि इसने मेरे मुंह पे थूका है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये मारना उसमें शुमार हो जाए कि मेरी अपनी ज़ात की वजह से मैंने इसको मारा है मारना सिर्फ लड़ाई किससे करनी है दुश्मनी किससे रखनी है अल्लाह के दुश्मन से व इन तब वो अगर मुंह मोड़ ले तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है कितना ही अच्छा मौला है कितना ही अच्छा मददगार हामियो नासिर है अन्नमा मिन जान रखो कि जो माल हासिल हुआ गनीमत कोई भी जो हासिल होती है तो अल्लाह ही के लिए है और उसका हिस्सा खमोसा पांचवा हिस्सा वो किसके लिए है रसूल के लिए है अपने बंदे पर नाजिल किया है यउमल फुरकान फुरकान वाले दिन योम तकल जमान वो दिन जिस दिन मुठभेड़ हुई थी अल्लाह लिशा इन कदीर तो अल्लाह तला हर चीज पर जानने वाला है तो हमारा यानी इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि माल गनीमत हासिल हो तो उसके हिस्से किए जाते हैं और पांचवे हिस्से में, में अल्लाह उसके रसूलार शरीक होते हैं दुनिया वे बदर की बात आ गई कि जब तुम उस दिन अः अल्लाह तलाफी की नक्शा बता रहे हैं कि याद करो जबकि तुम वादी के उस तरफ थे दुनिया दुनिया से मुराद है यहाँ पर अदना यानी जो नीचे वाली इस जगह थी वादी के नीचे वाली जगह पर तुम थे और वो वादी के दूर थे यानी कहा से? से. निकले थे वो तो नीचे की तरफ से होके चला गया वो नीचे की तरफ था यानी वो साहिल की तरफ से उसने रास्ता ले लिया था तो अल्लाह ने एक पोजिशन बताई है कि तुम कहाँ थे वो कहाँ थे और काफला उस वक्त कहाँ मौजूद था बोला फिल्मी अगर तुम मुकाबले के लिए वादा करते तो जरूर तुम मुक्रा वक्त के लिए मुखालफत करते या नहीं कि अगर ये क्योंकि यहाँ पे कोई लड़ने के लिए नहीं आए थे अगर लड़ाई के लिए पहले से होता इंतजाम होता कि हम फला फला दिन लड़ाई करेंगे जैसे कि हमें पता है ओहद के लिए तो टाइम सेट हो गया था लेकिन बदर तो हो हो अचानक हुई थी तो इसमें अगर पहले से ही अल्लाह मुसलमानों को बता रहे हैं अगर ये मुकाबले के लिए तुम वादा वादे यानी वक्त वक्त सेट करते तो तुम उसमें इख्तलाफ करते निकन अल्लाह ने जो काम हो के रहना होता है उसको पूरा करता है जो काम हो के रहना होता है यह लिखा मन और ये भी कि जो हलाक हो वही बात कि अल्लाह ने रास्ते दे दिए थे हमें हमने खुद चुनना है और जिसने अपनी आखरत जैसी बनानी है उसके हिसाब से दलील के साथ उसको मौत आए लिया मन हलाकाना ताकि हलाक हो जिसे हलाक होना है रोशन दलील के साथ कि अब उसने कबूल नहीं किया था इसलिए उसका खात्मा हुआ व्यााहया और जो जिंदा रहे मनहैया अला बइ्यना जिसे जिंदा रहना है वो जिंदा रहे दलील के साथ अल्लाह के हुक्म पर चल रहा है इसलिए अल्लाह ने उसको रोशनी दी उसको जिंदा रखा उसका दिल मुनवर किया वह इन अल्लाह समी और अलीम अल्लाह ताला सुनता और जानने वाला है याद करो जब उसने तुम्हें दिखाया था तुम्हें तुम्हें दिखाया उनको यानी उनकी आंखों में तुम्हारा नंबर कम दिखाया वह इस जुरी का हम अल्लाह फी मनामे का कलीला जब दिखाया तुम्हें तुम्हारी नींद के अंदर बहुत नं, नंबर कम वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए हैं सही उनका नंबर नजर आ जाता तो उनको हौसले पस्त हो जाते लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों में उनको कम दिखाया वतनाजा वल, वल, तुम फिर अमरी और तुम झगड़ते इस मुकाबले के बारे में

को नंबर कम करके दिखाया मुसलमानों को भी दिखाया कि कम है आगे दुश्मन और दुश्मन को भी दिखाया कि कम है ताकि दोनों एक दूसरे के लिए आए लड़ने के लिए आए क्योंकि अल्लाह लड़ाई करवाना चाहता था और ये इसलिए ताकि हक हक हो जाए और बातिल बातिल हो जाए यादीना ईमान वालों जब तुम ग्रोह से लड़ो जब तुम आगे से मिलो किसी ग्रोह से फसबुतू तो अपने कदम साबित रखना वज कर अल्लाह को याद करते रहना शायद कि तुम्हारी फला हो जाए कामयाब हो जाओ वकी व रसूला और अल्लाह और उसके रसूल की इताद करो वला तनाज़ाऊ और कमजोर मत पड़ना यानी वला तनाज़ाऊ आपस में झगड़ना मत पतफ शलू। कि तुम फिसल जाओ अगर तुम आपस में अख्तलाफ करोगे तो फिर फिसल जाओगे कमजोर पड़ जाओगे वह तज अक्म और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी ये सारा धाक अगर कोई धाक है भी रोब है भी तो सब खत्म हो जाएगा बस सबर करते रहना बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है लदीना खरजू मिन और उन लोगों की तरह मत हो जाना जो निकले थे अपने घरों से बकरान इतराते हुए और लोगों को दिखाते हुए वो यसुदूना और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे वो मलूना मुहित अल्लाह तला जानता है उस घेरे हुए है जो कुछ वो कर रहे हैं ये उन लोगों का जिक्र है यानी मुशीन मक्का जब निकले थे पूरी तैयारी के साथ निकले थे या यह आता है कि किसी ने अगर, अगर अपना यानी हर हर एक ने अपना हिस्सा डाला था मालो दौलत के हिसाब से भी और जानी तरफ से भी और इतरार रहे थे वो कि आज हम मुसलमानों के ऊपर गलबा हासिल कर ही लेंगे अल्लाह तो कहता है इनकी तरह मत निकलना व इस सही शैतान मिनन्ना से व इन्नी जारकुम्म सही वय लहम शैतान आम जब शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुजयन कर दिया था अगेन इसका क्या मतलब है जब शैतान अमाल को मुजयन करता है हाँ नफ्स को उभारता है गलत कामों की तरफ और दिमाग में इंसान के वसफ से ऐसे डालता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो वकालिबा से और कहा कि आज तुम्हारे ऊपर लोगों में से कोई गालिब ना आएगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा पलमत और नकसा अला अकीबई लेकिन जब दोनों आमने सामने हुए वो उल्टे पैर भागा वो कौला बेशक मैं बरी हूँ बेश देख रहा जो तुम नहीं देखते हूँ सजा देने वाला है ये वाक है कहा जाता है इसके बारे में वो शकीन मक्का जब निकल रहे थे तो उनको ये थोड़ा बहुत ख्याल आया कि अराउंड के जिन लोगों से दुश्मनी है ऐसा ना हो कि हम सारे निकल जाए पीछे से हमला हो जाए तो उस सूरत में उस वक्त मौके के ऊपर एक शख्स शैतान यानी शैतान जो था वो एक शख्स की शक्ल में आया उन कबीलों के सरदार के रूप में और आके कहा कि तुम हमारी फिक्र ना करो तुम जाओ क्योंकि तुम ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो जाओ और उनसे लड़ो मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगा जमानत के तौर पर मैं तुम्हारा साथी हूँ लेकिन जब वहां पहुंचे वहां पहुंच के उसने फौरन जो फरिश्तों को देखा और अल्लाह की उसको तो पता ही था क्या हक है क्या नहीं है तो उसको डर लगा और वो भाग गया वहां से कहा जाता है कि जब कुरैश मक्का वापस आए हैं और उन्होंने उससे पूछा सरदार से जिसकी शक्ल में आया था तो कहता है मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं मैं तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं इस यकूल वल्लदीना फी जब मुनाफिकीन ने कहा, कहते हैं जिनके दिलों में मर्ज था दो, यानी जो उनके दिलों में ये रोग था गर्रहा उलाई दीन उनके के मुसलमानों को धोखे में डाल दिया है उनके दीन ने ये किस तरह का दीन है कि इनके मुसलमानों को जो भी जिस पर अमल कर रहे हैं उसने धोखे में डाला हुआ है जान रखो हालांकि जो रखोल करेगा अल्लाह के ऊपर तो बेशक वो अजीज और हकीम है इज़ कफरुल जब तुम देखते हो जब तुम देखोगे कि हमारे फरिश्ते मौत दे रहे हैं उनको उनके चेहरों के ऊपर मारते होंगे वो अदबारहुम और उनके पीठों के पीछे भी और ये है यानी बॉटम्स के ऊपर वधुब और उनसे कहा जाएगा चखो अब दहकता हुआ अजाब भड़कता हुआ अजाब दाली इसलिए कि जो कुछ उन्होंने आगे भेजा था यानी अपने आमाल दुनिया में जो करते रहे थे उनकी सजा बेशक के अल्लाह अपने बंदों के ऊपर जुल्म करने वाला नहीं है क्यों अः उनको देगा जबकि वो खुद अपनी जानों पर जुलम करने वाले हैं उसी की तरह बिल्कुल मिसाल उसकी जैसे कि आले फिरौन और उनसे पहले के लोगों के उन्होंने अल्लाह की आयतों का झुठलाया हमने उनको गुनाहों उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया बेशक अल्ला अल्लाह ताला सख्त है इसलिए है ये इस वजह से है कि अल्लाह किसी नेमत को बदलने का बदलने वाला नहीं है अल्लाह ताला जब नेमत दे देता है तो इस नेमत में इंसान रहता रहता है अल्लाह खुद से नहीं बदलता क्योंकि अल्लाह तो देने वाला है अल्लाह ने एक दफा दे दी तो दे दी अल्लाह ने इनाम किया उस कौम पर करता है तो बदलता नहीं है लेकिन जब अपनी नेमत को वापस लेता है सिर्फ इस वजह से जबकि इंसान खुद या कौम खुद अपने हालात को बदल दे उसकी कदर ना करे शुक्र अदा ना करे सब्र ना करे अल्लाह के अहकाम पर ना चले तो फिर अल्लाह ताला उन तो को ले लेता है बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है जैसे कि आले फिरौन थे वह लदीन और वो लोग जो उनसे पहले थे उन्होंने रब को झुठलाया तो हमने उनको गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और आले फिरौन को गर्क कर दिया वह कानू गालिबिन और तमाम के तमाम जालिम थे इन नशरत दवाब दवाब कहते हैं वैसे तो जानवरों कि ये आता है लेकिन यहाँ पे आया है कि जो चलता फिरता है जानवर भी चलते फिरते हैं इंसान भी चलते फिरते हैं इसीलिए आपने कभी कभी उर्दू में भी सुना होगा कि इंसान भी तो एक जानवर है कि जिसके अंदर जानवर का मतलब क्या होता है जानवर का मतलब जानवर जानदार जान 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 जी हाँ जानदार जानदार जान, -दार, जान, -दार, जान रखने वाला तो जानवर को इस और इंसान को भी कहते हैं कि जानवर ही एक तरह से है लेकिन क्योंकि जानवर अब सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज होता है इसलिए अब कहना मुनासिब नहीं है तो इन दवा भी चलने फिरने वाले जमीन में सबसे बदतरीन कौन है अल्लाह के नजदीक वो जिन्होंने खुफर किया फिर उनको वो ईमान नहीं लाएंगे आहत मिन हम वो लोग आहत मिन हम तुमने अहद किया था उनसे सुम्मा आहदा फिर उन्होंने तोड़ा उनके अहद को फीकुल्ली मर्र थे हर दफा वह हमला या तकून और वो तखवा इख्तियार नहीं करते हैं नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं ये उन यहूदियों का जिक्र है कि जिनके साथ नबी ने मुहिदे किए थे हमें मालूम है ना कि नबी जब मदीना आए थे उन्होंने सबसे पहले आते ही मदीना में पहुंचते ही सबसे पहली क्या चीज की थी कि अमन कायम करने के लिए लोगों से मुहिदे किए थे लोगों से उनकी मुहिदे करके कि हम किसी एक दूसरे हम मिल के साथ रहेंगे बाहर से कोई आएगा तो हमला करेगा और अगर तुम हमारे और हम यानी सब मिल के साथ हमला करेंगे लेकिन अगर तुम हमारे साथ मिलना नहीं चाहते हो तो तुम ये भी नहीं करोगे कि अगर कोई बाहर से हमला करने आए तो उनके साथ मिल जाओ तुम ना उनके साथ रहोगे ना अगर तुम ह, यानी लड़ाई नहीं चाहते हो तो ना तुम उनका साथ दोगे ना हमारा साथ दोगे तो सबसे पहले उन्होंने लेकिन उन्होंने वक्तन फवक्तन तोड़ते रहे थे अपने हाथ को किसी ना किसी तरह यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाने के लिए आ, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे फिमत तसखफनकुम फिर वो अगर तुम्हें मिलते हैं किसी जंग में फशर रिद بهم من خلفهم तो उनका वो हशर करो कि उनके आने वाले याद रखें हवास वाख्ता हो जाए आने वाले इब्रत का सामान पकड़ लें अगर तुम आ, वो लोग ऐसे जंग में आ जाएं तुम्हारे सामने तो उनको ऐसा उनका हाल करो कि फिर वो पीछे वाले उनसे हासिल करें नसीहत जो आ रहे हैं इबरत का सामान बन जाए और अगर तुम्हें किसी कौम से खयानत का डर हो अगर तुम्हें डर हो किसी कौम से खयानत का तो उन जो अहद आपने किया है उनकी तरफ वो वापस वैसा का वैसा उनकी तरफ फेंक दो क्या मतलब कि अगर तुम्हें ऑलरेडी डर लग रहा है कि ये एक कबीला अपने अहद पे पूरा ना रह सकेगा तो तुम उनको बता दो ऐलानिया तौर पर कि तुम भी अपना अहद तोड़ते हो क्योंकि ऐलान जब कर दिया जाए कि अब हम अहद के पासदार नहीं है फिर जो मर्जी जो मर्जी करे जिसका दिल आए वैसे हमला करे इनबाइन बेशक अल्लाह तैयारत करने वालों को पसंद नहीं करता तो यहाँ पे भी देखें कि जैसे अहद किया है अहद करके तोड़ अगर सिर्फ डर भी है तो फिर तुम बता दो कि ठीक है अगर तुम पासदारी नहीं रखते तो हम भी अहद के पाबंद नहीं हैं

जितनी भी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कैपेबिलिटीज हैं, जितनी इस्तात रखते हो कवत के लिहाज से भी और तैयार घोड़ों के लिहाज से भी यानी जंग का सामान भी करो और अपने मुजाहिदों को भी तैयार करो अभी ही तुरही अद्ला खौफ जदा करो दुश्मन अल्लाह के दुश्मन को व अदू वे दुश्मनों को और औरों को भी लाता जिनको तुम नहीं जानते हो लेकिन अल्लाह जानता है अपनी धाक बिठाने के लिए अगर अपने आप को दिखाया जाए दुश्मन के आगे तो ये जायज़ है वैसे तो हमें जायज नहीं ना है कि हम आ, आ, बताएं लोगों को हमारे पास इतना इतना ये ये फला फला धमाका है शो ऑफ करने की जरूरत नहीं लेकिन यहाँ पे अल्लाह कहता है तैयार करो अपने मुजाहिदों को अपने घोड़े ऑब्वियसली और सारी चीजें लेके और खौफ खौफजदा करो उससे दुश्मन को तुम्हारे और अल्लाह के दुश्मनों को और ऐसे भी दुश्मन हैं जिनको तुम जानते नहीं हो अल्लाह को मालूम है तो अगर तुम ये दिखाओगे पहले से ही दिखा दोगे कि क्या चीज़ तुम्हारे पास है जिस तरह के अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम है, तो पता चलता है दुश्मन को पता चलता है क्या कि इनके पास अगर कुछ किया तो फिर ये भी करने वाले हैं ये भी जवाब देंगे उसी के लिहाज से मतफिको मिनशी और अगर तुम तुनफ खर्च करोगे कोई भी अल्लाह की राह में तो अल्लाह उसको वापस तुम्हारे पास पूरा पूरा वैसे ही दे देगा वन तुम लातमु तुम्हारे ऊपर जुलमा किया जाएगा अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखता है अगर तुमने अल्लाह के लिए खर्च किया है तो अल्लाह तुम्हें वापस उससे बढ़ कर देगा वह इन जनासलम और अगर जना वो माइल हो जाए सलामती की तरफ यानी सुलह की तरफ अगर वो पैगाम डालें तुम्हारी तरफ सुलह करने के लिए तो आप भी फजनाल तो आप भी उनके लिए झुका दें अपने परों को यानी आप भी सुलह की तरफ मायल हो जाएं और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए बेशक के वो समी और अलीम है तो जो भी दुश्मन लड़ाई जो है लड़ाई अल्लाह पसंद नहीं करता है लड़ाई सिर्फ करनी है किस लिए अभी बात करके आए कि दुश्मनी किससे रखनी है सिर्फ अल्लाह के दुश्मन से अगर दुश्मन सलामती की तरफ राजी हो जाता है तो फिर आप भी अपना सलामती के लिए राजी हो जाए वहदाऊगा और अगर वो आपके लिए खयानत का इरादा करते हैं तो फिर अल्लाह काफी है वो लदीदा का वो बिल विन वो काफी है जिसने अपनी मदद के साथ और अहले ईमान के साथ आपको दी थी वो अल्ला बीना खुलूबहिम और अल्लाह तो ऐसे है कि उसने दिलों में उल्फत डाली थी

वहां बुख्त नजर ने बुख्त नजर ने जब कितनी दफा आ, हमले किए थे यहूदियों के ऊपर वहां से फलस्तन से लोग भाग के जब निकले थे तो आके थोड़े बहुत मदीना में आबाद हुए थे उनकी हिस्ट्री की किताबों में होगा कौन किस कबीले से ताल्लुक रखता है वह अल्लाफा बीना खलूबी तो अल्लाह ने उनके दिलों को जोड़ा था तुम अगर तमाम जमीन भी खर्च कर देते इतना यानी इतनी चीजें भी खर्च कर दो उनके दिल जोड़ने के लिए तुम ये नहीं कर सकते थे लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को जोड़ा है बेशक अल्लाह अजीज है अजीज गालिब है।, वाला है वो कर सकता है कुदरत वाला है ए नबी हसब अल्लाह ही काफी है आपके लिए वो मैंने तबा का पैरवी करते हैं आपकी अल्लाह उन सब को काफी है अल्लाह काफी है और वो मोमिन बंदे भी जिन्होंने आपका इतबा किया है याबीना ट्रांसलेशन कीजिए इसका एम नबी हर एनकरेज करें उनको उभारो मोमिन को अलल गिताल, गिताल के ऊपर हम कहते हैं कि जहाद फर्ज नहीं है अब की किताबों में जहाद का सिलेबस ही निकाल दिया है कैसे निकालेंगे इस आयत को हम हमने पढ़ा है ना लेकिन अब के सिलेबस में जहाद निकल गया है जी अब पढ़ाना है, अब ये अभी तो दुश्मन ने ये किया है कि टॉपिक निकाल दिया है ताकि पता ही ना हो कि जहाद भी कोई चीज है लेकिन इन आयतों को जब तक कि हम कुरान नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चल सकता कि हमारा अल्लाह क्या चाहता है या अय्यूहनबी हर अल-किताल कताल के ऊपर उभारो क्योंकि कताल तो अल्लाह का दीन पिछली ही आयत पढ़ के आए हैं अल्लाह का दीन पूरा करने के लिए फितना को खत्म करने के लिए कताल करते रहना है इसको छोड़ना नहीं है इकुमिन को मशरूना साबिर होना पहले हुक्म सख्त है लेकिन बाद में आसानी आ गई तो ये पहले सख्त काम है इन यकुम अगर तुम में से बीस लोग भी साबिर होंगे वो दो सौ के ऊपर गालिब आ जाएंगे क्या मतलब कि अगर पीछे हमने आयत पड़ी थी ना कि जंग के मैदान से भागना नहीं है मोमिन को भागना मना है जंग के मैदान से एक दफा मोमिन आ गया जंग में अब जुर्म है ये तो अगर तुम भागोगे तो भी मुसलमानों के हाथों ही मारे जाओगे और अगर नहीं भागोगे तो दुश्मन के हाथों मारे जाओगे अगर तुम अः उसका मुजाहरा नहीं करोगे ब्रेवरी का तो तुम अगर नहीं आगे बढ़ोगे मरना तो तुमने है ही है ही यहाँ पे अल्लाह कहता है बीस भी लोग अगर हैं तो दो सौ के मुकाबले में वो गालिब आ जाएंगे यानी दो सौ के सामने बीस अगर जाते हैं तो अब वापस मुड़ने का तुम्हारे पास जवाब नहीं है वहीं मिला और अगर तुम्हारे पास सौ बंदे हैं यखलिबून तो के ऊपर भारी हो जाएंगे ने तुम्हारे लिए तखफी बोझ को हल्का कर दिया क्योंकि अल्लाह जानता है तुम्हारे अंदर कमजोर भी है कमजोर दिल के भी लोग हैं और तुम्हारे अंदर बुजदली भी थोड़ी मौजूद है ये और ये एक तक भी फित्री तक भी है इंसान का मुकाबला वहां होता है जहां पे बराबर बराबर का हो एक बच्चे और एक आदमी का जोड़ नहीं हो सकता कि वो मुकाबला करें इसी तरह ये एक फितरी तकाजा था तो अल्लाह जानता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है फिर अब अब अग, अब अगर सौ हैं साबिर बंदे तुम्हारे पास यगलिबू में अतंग तो वो गालिब आ हाँ जाएंगे दो सौ के ऊपर यानी अब भागना तुम्हारे लिए जायज कब होगा जब दो के बाद एक मौजूद हो तुम्हारे अंदर से यानी तुम्हारे ऊपर एक बंदे के ऊपर दो मुशरक अगर ऐसा है तो तुम्हें लड़ना लाजमी है और अगर नहीं तो फिर तुम जा सकते हो वह यकुमिन और अगर तुम्हारे पास हजार हैं तो दो हजार के लिए काफी होगा अल्लाह के हुजा अल्लाह के ईजन से मन अल्लाह ताला तला करने वाला है सब आ, सबर को सबर के साथ साथर करने वालों के साथ है माँ कानाबीन और नहीं है नबी की शान अकून असरा के उसके पास कैदी आ जाए हत्याना फिल यहाँ तक के वो खून रेजी कर दे जमीन में उनके पास तो अब उनको बगैर मारे उनको छोड़ना नहीं चाहिए था तो की जिंदगी चाहते हो तुम और अल्लाह तो आखरत की जिंदगी चाहता है अल्लाह तजीज और हकीम है अगर ये लिखा ना होता पहले से अल्लाह की किताब में तो तुम्हे एक बड़ा अजाब जरूर मिलता जो तुमने किया ये वाक्य है बदर में जो कैदी आए थे हमें मालूम है सत्तर मारे गए थे उनके लोग और सत्तर कैदी बने थे बदर के कैदी जब आए हैं उनमें इमेजिन कीजिए कि लड़ने वाला बाप है शोहर है बेटा है सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं कबीले के लोग हैं हमसाए हैं क्योंकि पूरे पूरे खानदान तो नहीं थे सब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे और ये बन के आगे हैं उसमें आगे हैं कैदी बन के आगे हैं तो मशवरा हुआ कि अब इन कैदियों का क्या किया जाए किसी ने कहा इनको हजरत उमर ने कहा कि इनको मार ही देना चाहिए सबको ताकि एक दफा ही दुश्मन का काम तमाम हो जाए बाकी लोगों ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी और बाकी लोगों ने भी ये राय दी कि नहीं इन कैदियों से फिदिया लेके इनको छोड़ देना चाहिए थोड़ा एहसान भी हो जाएगा हमारा इनके ऊपर क्योंकि अरब एहसान बहुत मानते थे इनके ऊपर एहसान भी हो जाएगा और हमारे पास माल भी आ जाएगा जिसकी अभी हमें कमी है इसकी बिना पर उन्होंने फिदिया लिया और लोगों को छोड़ दिया फिर जी बदर के मौके पर वो भी किया था जो नहीं दे सकते थे उनका यह था कि जो अगर फिदिया नहीं दे सकता तो तुम अब हमारे मुसलमानों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो तो फिर बहुत ज्यादा आगे डिटेल्स आ जाती है ना और ये दूसरी जो आयत थी कि अगर अल्लाह ने अच्छा ये फिर क्या हुआ था कि आम, जस्ट थिंकिंग कि आगे आएगा कि हाँ वाक्य मैं बता देती हूँ तो जब आ, ऐसा हुआ था अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी कि ये नबी के लिए ठीक नहीं था जो नबी ने फैसला दिया है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और लोगों से क्या हुआ कि अगले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक आयतें आने के बाद और नबी बैठे रो रहे उमर आए और उन्होंने कहा हुआ कतार रो रहे हैं मुझे भी बताओ ताकि मैं भी रो लू रोना ना आए तो मैं शक्ल ही बना लू रोने वालों की तो इससे एक ये भी कि मुसलमानों के साथ रह के उनके साथ रहने की कोशिश की जाए उनकी गम में गम उनकी खुशी में खुशी ऐसे होना चाहिए मुसलमान का मामला खैर तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़कर सुनाई तो आप देखें कि हजरत उमर की क्या शान है कि उन्होंने ये सोचा कि इनको खत्म कर देना चाहिए और यही अल्लाह का फैसला भी था अल्लाह कहते हैं लौला मिन अगर किताब में लिखा ना होता अखस्तुम तो जरूर आके तुम्हें छूता उसकी वजह से जो तुमने लिया एक बड़ा अजाब यानी सजा मिलती ऐसा नहीं होना चाहिए था कि तुमने जो ले लिया लेकिन क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें माफी लिख दी है इसलिए अब कुछ हो नहीं सकता तो अब खाओ जो कुछ गनीमत में तुम्हारे पास हलसी चीजें हैं ला से डरते रहो बसरा कह दो तुम्हारे हाथों के दरम्यान में जो कैदी हैं यानी जिनको तुमने कैदी बनाया है उनसे कहो ई या फी कुल खैरा अगर अल्लाह को पता होता तुम्हारे दिल में कोई खैर है युतिकुम खैरम मिम्मा उखिजा मिनकुम तो जो लिया गया है उससे बेहतर अल्लाह तुम्हें वापस दे देता अगर दिलों में कोई खैर अल्लाह जानता तो जिन आ, जिन लोगों ने जो उस वक्त मुशरिक आए थे लड़ने के लिए उन्होंने फिदिया दिया फिदिया देके जान छुड़ाई और बाज ऐसे हैं जो बदर के बाद मुसलमान भी हुए तो अल्लाह कहता है कि जो फिदिया तुमने दिया था ना उससे बेहतर अल्लाह दे देगा तुम्हें वापस अगर तुम्हारे दिलों में खैर है यानी मुसलमान होना अगर तुमने कबूल कर लिया और तुम्हें माफ कर देगा बेश्ला गफुररहीम है वही युदीद का फकत खान और अगर वो इरादा करतेनत करने का तुमसे तो उन्होंने तो अल्लाह से पहले भी खयानत की थी फम का नामिन तो अल्लाह ने उनको तुम्हारे अंडर कर दिया था तुम उनके ऊपर काबू में आ गए थे वल्लाहु अल्लाह ताला जानने वाला और वाला है बेशक वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने जिहाद किया हिजरतें की और जिहाद किया अपने माल से और अपने नफ से अल्लाह की राह में वी न व नसरू और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और न, मदद की उलाई का बा वो एक दूसरे के वली वारिस हैं बता दिया गया कि पहले अब रिश्तेदारी उस वक्त ये सिर्फ वक्ती तौर के अहकाम थे कि अब बाप बेटा या बेटा बाप माँ बेटी कोई किसी का वारिस नहीं होगा वारिस होने के लिए अलामत क्या है जिन्होंने हिजरत की जिहाद से नफ्स अपने नफ्स से माल से जिहाद से जिहाद किया अल्लाह की, की राह में और जिन्होंने पना दी है यानी मदनी लोग जो थे जिन्होंने पना दी और उनकी मदद की वो एक दूसरे के वारिस होंगे तो जिसने जिसकी मदद की थी वो उसका वली ईमान लाए और उन्होंने हिजरत नहीं की यहां तक के वो हिजरत हमें ना, जब पहली हिजरत हुई थी तो यानी पह, पहली नहीं ये जब मदीना की तरफ हिजरत हुई थी तो ये फर्ज थी हिजरत उससे पहले जो अबसिनिया की तरफ हिजरतें हुई थी वो फर्ज नहीं थी जिसने जाना है चला जाए लेकिन हिजरत मदीना की हिजरत फर्ज थी मुसलमानों के लिए वह इन तंसरों को फिर दीन अली और अगर वो तुम्हारी मदद करते हैं दीन के बारे में तो तुम भी उनकी मदद करो इल्ला अला बई नगर ये अगर वो शख्स तुम्हारे दुश्मन कौम से हो या फिर जिनके दरमियान में कोई अहद हुआ है तो अगर कोई भी तुमसे मदद मांगता है किसी भी तरह की तुम उनके ऊपर मदद करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है चाहे अगर आ, मगर ये के किसी कौम से मुहिदा किया हो तो फिर तुम नहीं करोगे जैसे कि मुहिदे होते थे कि अगर मेरा बंदा आ जाए तो तुम्हें वापस करना होगा सपोजिंग या तुम हमारी किसी की मदद नहीं करोगे हमारे की, इस तरह का कोई मुहिदा बेशक अल्लाह ताला बाख़बर है देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो वल अवलिया उफिर एक दूसरे के वारिस होंगे अल्ला तफ अलू तक फितर व फसादुल कबीर अल्लाह के अगर तुम ऐसा ना करोगे तो तकुन फितना तो फिलहाल तो फितना हो जाएगा जमीन में और बहुत बड़ा फसाद होगा अल्लाह ताला ने रूल्स ही बदल दिए थे कि कौन किसका वारिस बनेगा अगर ऐसा नहीं किया तो फिर जमीन में बड़ा फितना और फसाद हो जाएगा व लदीना आजी सभी ला है जिन लोगों ने ईमान लाए हिजरत की जिहाद किया अल्लाह की राह में और उन्होंने पन्ना दिन और नुसरत दी का यही सच्चे सच्चे मोमिन है उनके लिए तुम्हारे साथ जहाद किया मिल के फाउलाई कम इनकुम तो ये भी तुम्हारे साथ ही है बाद में लाए या पहले किया जब एक दफा ईमान ले आए हिजरत कर ली अब सब भाई भाई है और हमें मालूम है कि अखुबत का निज़ाम नबी ने कायम किया था जब मदीना आए थे वह उल उलरहमी और खून के रिश्ते किताब, किताब खून के रिश्ते ज्यादा हकदार हैं अल्लाह की किताब में बेशक कि अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है अब खूनी रिश्तों में अगर कोई मुसलमान हो गया है तो खूनी रिश्ते को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी बजाय के जिसने उनके साथ मदद की थी सेवेंटी फोर में वाव के ऊपर क्योंकि तशदीद है नेक्स्ट वाव के ऊपर तो हम कहेंगे आ वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जाता है इसके ऊपर अगर हम कहेंगे तो ये सही न सरु सूरत तोबा का मतलब है एक तो तोबा तोबा दूसरा है बरात करना बरात यानी अल्लाह ताला आजी करते हैं इस सूरत में ये सूरत नाजिल हुई है मक, मदनी दौर के आखिर में फता मक्का हो चुका आ, नहीं फता, जी, फता मक्का हो गया उसके बाद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत सारी आयतें जब उतरी थी जब हज का मौका था अम्म यहाँ पे हुदैबिया भी हो चुका फतेह मक्का भी हो चुका है उसके बाद सारे दो सारे लोग जो हैं आपस बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं कबीले मुसलमान हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक दो कबीले ऐसे थे जिनको अपनी यू कह सकते हैं पावर पेश आ, बड़ा घुमंड था और उसमें आता है नाम हवाजन का उन्होंने तैयारी शुरू की फतेह मक्का के बाद की बात है कि अभी हम इनके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि जब आपको मालूम है ना क्योंकि अरब का ये इलाका ऐसा था कि उमल कुरान अल्लाह तला ने कहा है ये मीशत के लिहाज से भी तजारत के लिहाज से भी और अहकाम के लिहाज से भी जो कुरैश कहते थे वो पूरा अरब मानता था तो ये एक घड़ था उनका जब घड़ मुसलमान हो गया अराउंड के लोग मुसलमान हो गए तो लोगों को जो दूसरी पावर्स थी उनको खतरा लगा कि अब हमें इनको मारना चाहिए इससे पहले कि ये हमारे ऊपर अटैक करें हमें इनको करना चाहिए तो हवाजन का नाम आता है कि इन्होंने जंग की तैयारी की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग का पता चला पता मक्का के फौरन बाद ही इन्हों, इन्होंने भी तैयारी की और फिर एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें सब शुरू में मुसलमानों को शिकस्त होने लगी थी लेकिन अल्लाह के नबी ने दोबारा पुकारा सबको वापस बुलाया और सब एकदम से तितर बितर हो गए थे लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र के मतलब उनको फताह नसीब हुई थी और इस सूरत में वो सारे रूल्स भी बता दिए गए जो काफरों के लिए आए थे फतेह मक्का के बाद कि अब काफिर यहाँ नहीं रह सकते इस सरजमीन पे नहीं रह सकते वो नंगे तवाफ नहीं कर सकते वो अः हज को नहीं आएंगे गैर मुस्लिम का जन्नत में दाखला नहीं होगा और किसकी मुद्दत कितनी तक कितनी तक है यानी अगर कोई काफिर रह रहा है तो किस अहद के साथ वो मक्का में रह सकता है या नहीं रह सकता सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की इस एक हमत ये कही जाती है कि अल्लाह की इसके अंदर रहमत नहीं है और बिस्मिल्लाह पढ़ने का मतलब रहमत होता है क्या अल्लाह अपनी रहमत करे लेकिन इसके अंदर क्योंकि अल्लाह ने आज़ज़ी नॉट आज़ज़ी बारात का इजहार किया है तो इसलिए इसमें बिसमिल्ला नहीं है इस सूरत में उन सहाबा का भी जिक्र है जिन्होंने तबूक में गजबा तबूक में शिरकत नहीं की थी क्योंकि एक रोमन की पावर जब उन्होंने अरबियों का यह हाल देखा तो उन्होंने नबी नबीसम के ऊपर अटैक करने का फैसला किया था लेकिन अटैक हुआ नहीं था क्यों इनका रोब इतना बैठ गया था मुसलमानों का रोब कि रोमन्स ही खुद शिकस्त खा गए खुद ही वापस चले गए लेकिन उन तो उस उस गजबा में कुछ सहाबियों जिनका जिक्र मतलब आ, आ, कुछ ने शिरकत नहीं की तो उनकी तोबा भी कबूल की है इसी सूरत में उसका जिक्र है शुरू करते हैं अलान बरात है, है अल्लाह की तरफ से और रसूल की तरफ से इला, इला आहत तुम जिनसे तुमने अहद किया था मुश्रकिन में से क्या बरात है वो आगे रहा है पसी हो फिल अर्द। कि ज़मीन ज़मीन में में तुम तुम के लिए कहा जा रहा है तुम जमीन में चलते फिरते रहो, कितने? सिर्फ चार महीने। काफिरों को वो अदान वसूली इन्नासी यौम अकबर हज़ हैदर नाहर पे अल्लाह और उसके रसूल ने इतला दे दी है एक ऐलान कर दिया है कि बरी है अल्लाह मुशरकों से और उसका रसूल भी बरी है अगर तुम तोबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है लेकिन अगर मोड़ोगे तो जान लो कि अल्लाह तो आज वाले नहीं हो। मीटिंग

अस्सलाम मेरी आवाज आपको आ रही है जी आ रही है आप वेट करें आप वो लीव करके दोबारा रिकनेक्ट करें एक दफा ठीक है थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अभी हम फिक्स करते हैं ओके इंशाल्लाह जी मैं हूँ वो खुद ही रिकनेक्ट तो चला तो गया अच्छा बाजी मीटिंग लीव करके दोबारा से करती हैं? जी जी रीकनेक्ट री हो जाएगा अभी तो हम ज्वाइन। आप लीव नहीं करें बाजी कह रही है, जी, जी, मैं लीव नहीं इस है ना जी तो जी जी तो देख लीजिए मैं बाजी को रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। जी। मैसेज कर दीजिए हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला और क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता हो रही है कि नहीं मैं नहीं कर सकती रिकॉर्डिंग ना जी राउदबिल्लाइवान आप अपना म्यूट कर लीजिए राउदि शैतवान आयत नंबर थ्री हमने खत्म कर ली पढ़ते हैं दोबारा वह आजान मिनल्ला व रसुलनास लोगों की तरफ अल्लाह और उसके रसूल ने यह इतला पहुंचा दी है हैज अकबर के दिन हज अकबर हज को ही कहा जाता है हज असगर उम्रे को कहा जाता है ऐसा नहीं होता कि जुम्मे वाले दिन हज हो तो उसको हज अकबर कहते हैं ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है इन अल्लाह बरी उमर अल्लाह अल्लाह बरी है अल्लाह ताला का जिम्मा हट गया है से और उसके रसूल का भी तो अगर ये तुम अगर तुम अः तोबा तुम, तुम करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है व इन तुम और अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो जान लो बे, बेशक के अल्लाह को तुम आजिश करने वाले नहीं हो और बशारत दे दो काफिरों को दर्दनाक अजाब की इधीना आहत तो मिनल मशर बेशक के वो लोग जिन्होंने तुमसे नहीं मुशरकिन में से जिनके साथ तुमने अहद किया था सुम्मा लम यन खुसूकुम फिर उन्होंने उस अहद को पूरा करने के लिए कुछ कमी ना की यानी वो अपने ही उसके ऊपर रहे थे अपने अहद के ऊपर बाकी रहे थे वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदन ना ही उन्होंने किसी के खिलाफ तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की थी फअतिमु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम तो उनकी मुद्दत को तुम पूरा करो उनकी मुद्दत जो तुम्हारे दरमियान में आ, तुम्हारे दरमियान में तय पाई है उस मुद्दत को तुम पूरा करो आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या है क्या मामला हो रहा है यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसने जितना अहद किया हुआ है हमने इन्होंने अहद किए हुए थे ना नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद किया था कि तुम हमारे से अः दो साल के लिए जंग बंद है जैसे सलाहुदेबिया के ऊपर हुआ था कि कितने सालों के लिए जंग बंद थी तो ऐसे जिस भी कबीले से तुम्हारा अहद हो चुका है तो अल्लाह ताला यहाँ कहते हैं जितना अहद तुम तुमसे किया है उन्होंने उस मुद्दत को तुम पूरा करो बस उतनी ही मुद्दत तक वो मक्का में रह सकते हैं उसके बाद उनको निकलना होगा या आगे आ रहे हैं काम बेशक ये अल्लाह मुतकीन को पसंद करता है फ़ाइज़न सलाखश फ़ाइज़न सलाखल अशहुरुल हुरम फिर जब हुरमत वाले महीने खत्म हो जाएं चले जाएं गुजर जाएं फिर मुशरकिन को पकड़ो जहाँ पे भी तुम उनको पाओ व खुदू हम सुरू हम और उनको पकड़ो और घेरो कुल्ला मरसद और हर घात में उनके लिए बैठ जाओ जाओंबू व अका फिर आ, अगर वो तोबा कबूल कर लें और नमाज कायम करें जक़ात अदा करें फल्लू सबीला हूँ तो उनके लिए रास्ता छोड़ दो बेशक के अल्लाह रहीम है जी क्योंकि या तो वो क्यों ये बड़ी डिटेल्स हैं इनके अंदर ऐसा नहीं है कि बस कत्ल कर दो उनको इस्लाम की दावत दी जाएगी इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो जजिया के तौर पे अगर वो जजिया ना देके उस पर भी ना रहे तो फिर उनको ऐसा है कि क्योंकि वो पूरी शरीयत अब लागू हो रही है वहां पे वो इन अहदमशीना um, you know? okay. uh, लेकिन आवाज नहीं होगी वहां पे फिर ओके okay. वह इन अहदों में मुशरना और अगर कोई तुम्हारे अगर कोई ऐसा है मुशर में से इस तजार का अजहर हो कि जिसने तुमसे पनाह मांगकर तुम्हारे पास आना चाहता है फ अजर हो तो उसको फिर पनाह दो अगर तुम्हारे पास कोई पनाह मांगना चाहता है अब तुम्हारी पावर बढ़ गई है कोई ऐसा छोटा कबीला है जो अगर तुम कि वो उनसे सबकी दुश्मनी है सपोजिंग लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों हमें तुम पना दे दो हम तुम्हारे साथी बन जाते हैं अगर तुमसे कोई पना मांगता है तो पना उनको दे दो हत्या यहाँ तक वो अल्लाह का कलाम सुन लेम अब मना ताकि फिर उसको पहुंचा दो उसकी अमन की जगह पर जब तक उसको अमन ये एक शख्स की बात है एक एक कुंभे की बात है किसी की भी बात हो सकती है कि फिर उसको वापस उसकी पनाह की जगह पर पहुंचा दो पैगाम उनको पहुंचाओ इस्लाम का उसके बाद उनको वापस पहुंचा दो ला ये ऐसी कौम है कि इनको पता नहीं है जानते नहीं है इंदा रसूली कोई माह कैसे बाकी रह सकता है मुशरकिन के साथ अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल के नज़दीक यानी के इनके अहद का एतबार मत करो क्यों क्योंकि वो बार बार अपने अहद शिकनी करते थे उस अहद शिकनी की वजह से उन्होंने एतबार तोड़ा है अब तुम उनके मुश्किन के साथ अहद मत करो अलना आहत तुम इंद मस्जिद इल्ला ये मस्जिद हराम के नजदीक तुमने उनसे कोई अहद कर लिया है फमस्तकामु लकुम मस्तकामकुम फस्तकीम अगर वो अपने अहद पे पूरे पूरे सीधे सीधे रहते हैं तो फिर तुम भी उनके साथ सीधे रहो बेशक अल्लाह मुतकियों को पसंद करता है व इन यद हरू अलईकुम और वो कैसे 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 करके अल्लाह ने छोड़ दिया कि क्या वो अहद पूरा करेंगे कैसे वो अहद करेंगे जबकि वो तो तुम पर के वो तुम्हारे ऊपर काबू पाते हैं यही है ना इसका नंबर जी जब उनको मौका मिलता है तो फिर वो काबू पा यानी जैसे ही उनको मौका मिलता है वो फौरन तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने आ जाते हैं और वो किसी रिश्तेदारी का तुम्हारे दरमियान में ख्याल नहीं रखते ना ही किसी मुहिदे का ख्याल रखते हैं ये अर्दोनक वो राजी करना चाहते हैं अफवाह तुमको अपने मुंह से इन्हीं आके फिर बातें मठारते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे था लेकिन वो तुम्हें राजी करना चाहते हैं उनका मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना होता है वह तबलूब हूँ और उनके दिल इनकार करते हैं ऊपर ऊपर से बनते हैं कि हम अहद को पूरा करने वाले हैं ये गलती हो गई वो गलती हो गई जवाब पेश करते हैं लेकिन अक्सर फासिक है इश्तराव आयात है उन्होंने खरीद लिया है अल्लाह की आयतों के बदले में थोड़ी कीमत फसद रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से कितना ही बुरा है जो काम वो करते हैं ला फी मुमिनीन इल्ला व वल, ज़िम्मा ना वो कराबत का एहसास करते हैं मोमिनों से ना ही किसी अहद की जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और ये तो हद से गुजरने वाले हैं यानी जब उनको मौका मिलता है वो रिश्तेदारी नहीं देखते लेकिन करावत का एहसास उनको ना होता है ना ही उनको किसी अहद की पासदारी का एहसास होता है फा इनताब वाता और अगर वो अः तोबा कर लें नमाज कायम करें जक़ात अदा करें तो ये तुम्हारे दीन में भाई हैं ऐसे लोग जिन्होंने इतनी तकलीफें दी इतने लोगों को मारा इतना अः हशर कर दिया तो अल्लाह कहता है ये तुम्हारे भाई हैं अब तुमने कुछ कहना नहीं है क्योंकि अब इनके भी दिल बदल गए हैं लिखो में हम हम बयान करते हैं आयतों को उनके लिए जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो जानते हैं जो जानना चाहते हैं वह इन नोड़ अपनी कस्मों को तुम्हे दीन में तानु दीन कुम और यानी, हमला करें तुम्हारे दीन पे ताने दे तो इनसे लड़ो किन से लड़ो आई मतल के इमामों से कुर के अलम बरदारों से लड़ो अब ला का कोई एतबार नहीं भी करते हैं फिर भी तोड़ते हैं अला तो, तो तुम्हें क्या हुआ है कि तुम क्यों नहीं लड़ते तुम लड़ोगे नहीं उनसे ऐसी कौम से जिन्होंने अपना अहद तोड़ा है और इरादा किया था रसूल को निकालने का हुम बदाउकुम अवला मर्रा और ज्यादा की इब्तदा भी तो पहले उन्होंने ही की थी अतक तो क्या तुम उनसे डरते हो जबकि अल्लाह का हक ज्यादा है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो आयत नंबर 14 कातिलुहुम उनसे लड़ाई करो युअजिबुहुम अल्लाहू बायदीकुम अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाएगा और उनको रुसवा करेगा व सुरकुम अलैहिम और तुम्हारी मदद करेगा उनके खिलाफ व यशफी सुदूर कउम मोमिनिन और तुम्हारे कौम के सीनों को शिफा देगा ठंडा करेगा सुकून देगा मोमिन की कौम के सीनों को ठंडा कर देगा यानी अल्लाह ताला फिर सब्र से जो ऐसा काम करते रहेंगे दुश्मनों से लड़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद भी करेगा और उनके दिलों को ठंडा रखेगा वि गईदलूबीम व्युदिफा कुलूबिहिम उनके दिलों से मिटा देगा ले जाएगा अल्लाह ताला उनके दिलों का गज़ब उनके दिलों की जलन को भी अल्लाह खत्म कर देगा वह यतुबल अला मय अल्लाह जिसकी चाहता है तोबा कबूल करता है अल्लाह अलीम और हिकमत वाला है अम तुमने कलमा पढ़ लिया अल्लाह का तुमने रसूल का कलमा पढ़ा तो तुम क्या ख्याल करते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा जबकि अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने तो देखा भी नहीं है तुम में से कौन जिहाद करता है कौन निकलता है अल्लाह के लिए कौन खर्च करता है क्या तुम्हें ऐसे ही बस ठंडे ठंडे जन्नत में चले जाओगे आज तुमने इस्लाम कबूल किया और तुम चले जाओगे आज तुमने स्काफ पहनने की कोशिश की और ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे आज तुम अपने खानदान के आगे खड़ी हुई और तुम जन्नत में चली जाओगी नहीं अल्लाह कहता है अल्लाह ने देखा नहीं है अभी कि कौन जिहाद करता है तुम में से कौन कोशिशें करता है वलम मिन वला, वला वलीजा और ये भी नहीं देखा कि कौन अल्लाह उसके रसूल और मोमिन को अपना जिगरी दोस्त बनाता है कौन उनसे हमदर्दियाँ करता है कौन उनके लिए आगे बढ़ बढ़ के काम करता है कौन उनके लिए निकलता है

कुफर की वजह से अपने कुफर के बारे में ही वो खुद गवाही दे रहे होते हैं उनके आमाल अल्लाह ने जाया कर दिए और वो दो जख्मे हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे इन अल्लाह की मस्जिदों का आबाद करने का हक तो सिर्फ ईमान वालों को है जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखरत पर नमाज कायम करते हैं जक़ात देते हैं और वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं यही वो लोग हैं जो महतदीन हैं हिदायत पाने वालों लोगों में से ऐसे ही लोग शामिल हो जाएंगे अजल तुम शिकायत हाजी व इमारत मस्जिद हराम क्या तुमने समझ लिया है पानी पिलाना हाजियों को और मस्जिद हराम का काम करना मस्जिद हराम को आबाद करना मस्जिद हराम के जो बाकी के काम हैं मैनेजमेंट के काम वो और हाजियों को पाना पानी पिलाना क्या तुमने इसको समझ लिया है कि ये बराबर है उसके लिए जो ईमान लाता है अल्लाह उसके आख अल्ला पर उस आखिरी दिन पर और अल्लाह की राम जिहाद करता है लास्तबू ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं अल्लाह ताला तलाम कौम को हिदायत नहीं देता है वो लोग जो ईमान लाए और हजरत की और उन्होंने अल्लाह की रास्ते में जिहाद किया अपने मालों और नफ्सों से अल्लाह अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े दर्जे हैं और वही लोग फायज हैं यानी कामयाब हैं तो जब तक अल्लाह की राह में निकलेंगे नहीं मुश्किलात नहीं आएंगी अल्लाह भी जन्नत जन्नत का हसूल करना होता है इंसान ने यहाँ रह के भेजा किस लिए गया था वरना तो हमारे बाप दादा हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला ने जन्नत में बिठा दिया था लेकिन वहां बिठा के मकसद ही ये था कि तुम आओगे दुनिया में रहोगे गलती करोगे तोबा करो, करोगे एक मेथड पूरा सिखा के अल्लाह ने भेजा है कि गलतियां होंगी और होनी भी चाहिए यानी मकसद ही यही है कि शैतान तुम पर वार करेगा वो सख्त है वो आके तुम पे बार बार वसफ डालेगा तुम्हें बहका भी देगा लेकिन रास्ता सीधा तुम अपनी नजर सीधे रास्ते पे रखना फोकस रहना तो फिर अल्लाह ताला मदद भी करेगा और फिर तुम्हें जन्नत का और रजामंदी है उसकी अल्लाह की खुशनुदी होगी जन्नत होंगी जिसके अंदर हमेशा की नहमतें होंगी नाइमी हमेशा की नहमतें जिसमें वो हमेशा रहेंगे बेशक अल्लाह के पास उसके पास बहुत ही बड़ा अजर है ए लोगो जो ईमान लाए हो ला तक मत बना लो अबाकुम अकुम अपने बाप को और अपने भाइयों को अपने वालिद, अपने बापों को और अपने भाइयों को अवलिया सरपरस्त किस हालत में जबकि जबकिबुल कुफर अल ईमान जबकि वो कुफर को पसंद करते हैं ईमान के ऊपर ऐसे लोग यानी जो ईमान जो कुफर को ज्यादा तरजीह देते हैं उन लोगों को अब चाहे ख्वाब वो तुम्हारे बाप हो या बेटे हो या कोई भी हो भाई हो उनको सरपरस नहीं बनाना उनके साथ दोस्तिया नहीं रखनी है अगर वो नॉन ना, नॉन मुस्लिम है अगर कोई काफिर है तो उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक आप ना रखें वाह तो जो दोस्ती करेगा उनमें से ऐसे लोगों से बेशक वो जालिमों में से है यानी उसने फिर हक नहीं दिया कुल कह दो अल्लाह ताला ने यहाँ का मोहब्बत का उसूल बता दिया मोहब्बत करनी है तो किससे करनी है और किस पैमाने पर करनी है कुल इनका ना आबा हुकुम आप कह दीजिए कि तो अगर तुम्हारे बाप वो तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई तुम्हारे शोहर, और, तुम्हारे और तुम्हारी वो कमाईयां जो तुम कमाते हो वह तीन है जिसके मान पड़ने का तुम्हें खतरा होता है वह मसाकिनों और तुम्हारे घर तरद अहब्बा मिनल्ला व रसूल ही व जिहादिन फी सभी तुम अगर उनको पसंद करते हो उससे ज्यादा कि अल्लाह और उसका रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा तुम्हें पसंद है फतः बस हो तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और ताला फासिक कौम को हिदायत नहीं करता यानी अब देखें कि अल्लाह ताला ने ये कितने एक दो तीन चार पांच छह सात सात चीजें गिनवा दी बाप हैं बेटे हैं भाई हैं तुम्हारे जोड़े हैं तुम्हारे खानदान है माल है तिजारतें हैं और तुम्हारे घर इन्हीं की वजह से हम अल्लाह के रास्तों में नहीं निकलते हैं तो अगर ये तुम्हें रोकते हैं और तुम्हें पसंद ज्यादा जा, तुम्हें ये चीजें ज्यादा पसंद है कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो इनके बनस्बत तो फिर नहीं मैंने उल्टा बोल दिया ना अल, अल्लाह के रास्ते की नस्बत तुम्हें अगर इनसे चीजें मोहब्बत ज्यादा है तो फिर अल्लाह कहता है इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर हमें नहीं पता कि अल्लाह हमारे साथ क्या मामला करने वाला है और क्या कह दिया ये कौन लोग हैं ये मोमिन लोग हैं कौन लोग हैं जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है अल्लाह कहता है वल्लाहु ला कौम तो ये फिस्क है गुनाह की बात है अगर तुम ना करोगे तो ये गुनाह की बात है एक मोहब्बत का मैार बता दिया गया नसरकुम अल्लाहु फी सरकम कथीरा अल्लाह ताला तो तुम्हारी इतनी जगह पर बहुत से मौाक़ पर मदद कर चुका है भैया और हुनैन वाले दिन भी पूरी इसकी हदीसों की किताबों में बहुत बड़ी ये जंग थी और बहुत बड़ी डिटेल्स इसमें आईनी है कैसे मुसलमानों ने ये गजबा जो हुआ था हुनैन की वादी के अंदर हुआ था कैसे तैयारी दुश्मनों ने पकड़ी मुसलमानों को खबर हुई उन्होंने तैयारी पकड़ी तो जो दस हजार का लश्कर मदीना से आप के साथ फाक्का के मौके पर आया था फा के बाद बहुत से लोग मुसलमान हुए थे कई हजार जमा हो गए थे वो हजारों भी और दस हजार सब मिलके कहीं बारह का नंबर आता है कहीं चौदह का नंबर आता है कहीं इससे भी ज्यादा का नंबर आता है खैर जितने भी आए थे वो सब निकले थे जब वो निकले हैं तो उनको उस दिन अपनी नंबर के ऊपर थोड़ा सा गुरू सा हुआ घुमंड सा हुआ कि आज तो हमारा नंबर इतना है अब तो हम अगले के ऊपर गलबा पा ही लेंगे अल्लाह ने भी इसकी भी पकड़ कर ली थी कि आज तुमने सोचा कि तुम्हारे नंबर की वजह से तुम्हें कामयाबी मिलती है जबकि अल्लाह की मदद अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए था तुम्हें आज अब कसरत कुम जिस दिन तुम्हारी कसरत ने तुम्हें अमेज किया कसरत ने से तुम वो हो गए मरऊब हो गए फलम तुगनी अनकुम कुछ काम ना आया उस दिन तुम्हारे कोई नंबर काम ना आया जमीन तुम पर तंग हो गई बीमा उसकी वसीयत उसकी वसत के सा, बावजूद और फिर तुम पीठ पर फेर कर भाग गए बारह हजार चौदाह या जितने का भी लश्कर चला था अल्लाह की मदद पर तवक्कुल करना चाहिए था लेकिन अपने नंबर पर घुम्ड किया तो क्या हुआ पहले तो शिकस्त हुई फिर फतेह नसीब हुई थी सबसे पहले सब तितर बितर हो गए थे और हुआ ये क्या था कि उन्होंने जो गजबा दूसरे कौन थी उन्होंने पहले ही से अपने तीर अंदाज बिठा दिए थे ऐसी जगह पर कि जब मुसलमानों का काफिला यहाँ से गुजरेगा तो तुम तीर बरसा देना और ये उनको मालूम नहीं था जैसे ही वो आए हैं तीर की बोछाड़ हो गई और सब इधर उधर भटक गए क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अब आगे करना क्या है किस तरह करना है जंग की कोई उनके पास अः रूल्स नहीं थे आगे कर किस तरह आगे से जंग लेके चलेंगे जब ऐसा हुआ फिर नबी वसल्लम के पास हमेशा से कुछ लोग जानशीन उनके रहे थे उनके पास जो उनप जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे इतने बड़े नंबर में भी बहुत सारे लोग कम रह गए थे उनके पास फिर उन्होंने हजरत अब्बास को कहा था वो मुसलमान हो गए थे उनको कहा कि आवाज दो और इफ एम नॉट रॉन्ग आई थिंक उन्होंने कहा कि कैसे मतलब मेरे आवाज से क्या होगा या, अगर हम इस टुकड़े को निकाल दें शायद मैं मिक्सअप कर रही हूँ दो चीजों में अगर निकाल अगर हो भी दे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम आवाज दो और सबको वापस पलटाओ तो कहा जाता है कि आठ आठ मील तक उनकी आवाज सुनी गई थी तो ये अल्लाह है जो कि पहुंचाता है चीजों को अल्लाह करने वाला है और जब उनकी आवाज लोगों ने सुनी उससे फिर वो वापस पलटे थे और फिर दोबारा से घुमसान की जंग हुई और सबको फतह नसीब हुई तुम माज्ला सकिन अला रसूलिही रसूलोम फिर अल्लाह ने सकीनत उतारी तुम अपने रसूल पर और मोमिन पर और तुम उसने उतारा एक लश्कर जिसको तुम नहीं देख रहे थे वो अजबीना कफ़रु उन उस लश्कर ने अजाब दिया काफिरों को उल जजाकाफिरन और यही जजा है काफिरों की तो मै का अला मैशा फिर अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है उसकी तोबा को कबूल कर लेता है अल्लाह बख्शने वाला रहीम है ए लोगो जो ईमान लाए हो बेशक मशरक नजिस है कि, किस तरह नजिस है कि अब हम उसको हाथ लगा लेंगे तो हमें नापाकी हो जाएगी नहीं कैसे नजिस है अकीदे के लिहाज से कि उनका अकीदा उनका गंध है उनके दिमागों में भरा हुआ बेशक अल्लाह के फरमाते हैं ए ईमान वालों मशरकिन नजिस हैं फलाबल मस्जिद वादा आजा क्योंकि तुम नजिस हो इसलिए अब मस्जिद हराम में नहीं आ सकते इस साल के बाद ये उनके लिए हुक्म दे दिया गया अब तुम नहीं आओगे व इन खिफ तुम आई लतन फिर क्या हुआ कि मुसलमानों को ये खौफ पड़ा कि जब अल्लाह ने कह दिया कि अब इस साल के साथ बाद नहीं आना है तुमने तो उनको ये खौफ पढ़ा क्योंकि मक्का तो घर था तजारत वहां होती थी तो इनको हुआ कि जब बाहर के लोग ही नहीं आएंगे जिन क्योंकि मुसलमान तो कोई है नहीं जब मुसलमान मुसलमान के अलावा कोई और आ नहीं सकता तो हमारी तजारतों का क्या होगा मीशत कैसे चलेगी हमारी तो उस उसपे अल्लाह ने कहा वह इनखिफ तुम आई लतन अगर तुम्हें तंगदस्ती का डर है तो अल्लाह अपने फजल से जिसको चाहता है गनी कर देता है अगर वो चाहे तो तुम्हें गनी कर देगा नुकसान तुम्हारा पूरा कर देगा बेशक अल्लाह ताला अलीम और हकीम है लड़ो अल्लाधी वाला बिल्मिल आखिर उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते हैं अल्लाह और आखरत के दिन पर और जिसको अल्लाह ने हराम किया है उसको हराम नहीं कहते जिसको रसूल ने हराम किया है उसको हराम नहीं कहते वीन और इस दुनिया को अपना दीन नहीं मानते हैं दीन अलक्की इस हक के तौर पर मीना लदीना ओतुल किताब किताब वालों में से यानी किताब वालों में से जिन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते हैं हराम को हराम नहीं कहते हलाल को हलाल नहीं कहते तो उनसे लड़ो यहाँ तक के ज़िजिया यहाँ तक के वो तुम्हें जजिया दें अपने हाथों से खुद आके कहें कि हमसे ले लो और हमें रहने दो जबकि वो जिल्लत वाले छोटे बनकर रहें जलील होके रहें। तो फिर उनको उस इस्लामी हुकूमत में रहने की इजाजत है वकालत यहूदी यहूद कहते हैं उजैर अपना का उ, उजैर अल्लाह का बेटा है और नसारा कहते हैं मसीह अल्लाह इब, यानी अल्लाह का बेटा है ये तो उनके मुंह की बातें हैं इनकी कोई दलील नहीं है अपनी तरफ से वो बातें घरते हैं युदा ही उना। ये बेहीकत बातें बाते हैं जो काफिर कहते हैं और इससे पहले भी कह चुके हैं अल्लाह की मार हो इनके ऊपर अल्लाह इनको गारत करे कहा तुम मुंह मौ मुड़ के जाते हो इतबारहम उन्होंने बना ली हैं अपने उलमाओं को और राहिबों को अरबाबन खुदाओं में अल्लाह के अलावा और मसीह इब्ने मरियम को भी वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहा वाहिदन उनको तो हुक्म ये नहीं दिया गया था हुक्म क्या दिया गया था कि एक वाहिद अल्लाह की इबादत करनी है जिसके अलावा कोई और माबूद नहीं है पाक है वो उससे जो तुम कर, जो वो कर रहे हैं अल्लाह ताला पाक है उससे जो कुछ वो करते हैं इन बातों से उनका मकसद सिर्फ क्या है कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। अल्लाह के नूर को अपने मुँह से वो बुझा नहीं सकेंगे। जितना मर्जी जो मर्जी कहते रहें अल्लाह का दीन तो हक होके ही रहेगा व या अब अल्लाह नू रहो अल्लाह रोकने वाला नहीं है जब तक के नूर को पूरा ना कर दे अल्लाह तला इस बात के अलावा किसी और चीज़ को मंजूर ही नहीं करता है जब तक कि उसका नूर उसकी उसकी दीन पूरा का पूरा गालिब ना हो जाए ख्वाह के वो काफिरों को नागवार गुजरता हो पसंद ना हो वो वो तो वो है जिसने भेजा है अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ ताकि वो तमाम दीन के ऊपर गालिब आ जाए ख्वाह के काफरों को नापसंद हो ए ईमान वालों इन व रुहबानी ए ईमान वालों उन, 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 बहुत से ऐसे हैं उलमा और उनके रह, आ, राहिब लिया कुलूना अम्बाल वो लोगों का माल खाते हैं बिलबातिल तरीके से वह यसुद्दूना सभी अल्लाह के रास्ते से वो रोकते हैं वह लदीना यकनी जून जहाबा और, और वो वो चीजें भी जो वो जमा करते हैं सोने और चांदी में से वला फिकून हाफी सभी तो अल्लाह की राह में वो खर्च नहीं करते हैं फब हिर बे अदा अलीम तो उनको खुशखबरी दे दीजिए यानी जो भी वो जमा करते हैं उसी में से खर्च करते हैं ए ईमान वालों बिलाशुबा बहुत से उलमा और राहब ऐसे हैं जो लोगों के माल बातिल तरीके पर खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो लोग सोना लो चांदी की चीजें जमा करते हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है अच्छा यहाँ के नहीं खर्च करते हैं वो सॉरी ये बात है कि मैंने कहा कि वो खर्च करते हैं यहूदियों के लिए खास है कि अल्लाह ने हुक्म तो दिया था कि खर्च करना है बस उठा उठा के रखे जाते हैं सोने चांदी को लेकिन यहाँ पे बज़ाहन ये यह खास यहूदियों के लिए हुक्म है लेकिन ये हुक्म आम है जकवात के लिए है कि जक़ात पे अदा करें जो माल जमा किया जाता है अगर यूनफून फीस भी है अल्लाह की राह में नहीं दिया जाएगा तो अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब का बशारत दे दो क्या होगा इससे अगर ऐसा नहीं होगा अगर नहीं करेंगे जहन्नम की आग पर उस सोने चांदी को तापा जाएगा उस दिन जिस दिन आखरत का दिन होगा जहन्नम की आग पे उसको तापा जाएगा फतुकुआ बिहा और उसी सोने चांदी से दागा जाएगा उनकी पेशानियों को उनके पहलुओं को और उनकी पीठ को हाँ और कहा जाएगा ये है वो खजाना माँ कनस तुम जो तुमने जमा किया है अपने लिए तो अब उसका मजा चखो जिसको तुम जमा करते थे इन जक़ात के बारे में और अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में बता दिया अगर खाली जमा करके रखेंगे तो यही अजाब बन जाएगा और ये भी कहा जाता है ना कि जो जक़ात का हिस्सा ना दे तो वही जक़ात का हिस्सा बड़े अजदेही की सूरत में आएगा क्यामत के दिन और वो गर्दनों पे चढ़ जाएगा इन और वो लपेटेगा गर्दन को और टाइट करता जाएगा इन इद्दत शहूर इन हिस्ना अशारा शहरन अल्लाह की गिनती में अल्लाह की गिनती में महीनों की गिनती में अल्लाह के नजदीक महीने बारह हैं अल्लाह की किताब में कब से हैं यौमा खलक समावाती वल अर्द जब से हैं जब से आसमान और जमीन को पैदा किया और उसमें चार महीने हुरमत वाले हैं जालिकद दीन उल ये तुम्हारा दीन सीधा सीधा है बिल्कुल सीधा सीधा दीन है फिर तुम जुल्म ना करो, फलाम तुम जुल्म ना करो उन चार महीनों के बारे में वातिल वा से लड़ते रहो सब मिलकर एक साथ कमा कुम काफा जैसे कि वो तुम्हारे साथ लड़ते थे सब मिलकर और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है ये बारह महीनों की गिनती के बारे में आता है कि अल्लाह ने शुरू से ही बारह महीने दिए थे और उसमें चार महीने हरबत वाले शुरू से रखे थे तो एक जिसका आगे आ रहा है इन नमन नसी अगली आयत पढ़ते हैं फिर बताती हूँ सो तो, इन नमन नसी जिया कुफर ये नसी करना कुफर में ज्यादा आ, और ज्यादती है कुफर में और ज्यादी है या गल्ल कफ़र गुमराह कर देने चाहते हैं जिन्होंने कुफर किया है योहल्लू नहु आमन एक महीने को एक एक साल को योल्लू नहु आमन एक साल में उसको आ, हलाल कर देते हैं और एक साल के अंदर उसे हराम कर देते हैं यानी हरमत वाले महीनों को ली युवा अल्लाह ताकि वो गिनती को पूर, पूरा कर सके उस गिनती को जिसको अल्लाह ने हराम किया है हरमत बनाई है फोहल्लू माहरम अल्लाह और वो हल कर, ले, कर लेते हैं जो अल्लाह ने हराम बनाए हैं इसी तरह उनके अमाल को उनके बुरे आमाल को मुजयन करके दिखाया गया अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता नसी कहते हैं क्योंकि महीने की चार महीनों में लड़ाई करना मना थी तो और वो हरमत वाले महीने कहलाए जाते थे तो इन लोगों को जब सूट ना करता था किसी फर्ज करें गर्मियों के महीने में अब लड़ाई करना सूट नहीं कर रहा और वो हरमत वाले महीने उस गर्मियों के महीने में सपोजिंग आ रहे हैं तो वो महीनों की तरतीब को बदल दिया करते थे जैसे कि हम कहें कि अब जनवरी की बजाय इस दफा जून अभी आ गया है और जनवरी जून के वक्त में आएगा है। तो इस तरह वो बदला करते थे एक वजह यह कि लड़ाई करना चाहते थे तो महीनों को आगे पीछे और दूसरी वजह यह भी होती थी कि हज का मौसम जिन सीजन में आता था क्योंकि हज में पता बदलता रहता है जिन सीजन्स में आता था अगर वो उनकी तजारत के लिहाज से के लिहाज से सही ना होता तो उसको भी बदल देते थे तो इन दोनों रीजन की वजह से वो बदला करते थे अल्लाह कहता है कि ये कुफर में और ज्यादा ज्यादती है, को हराम, हराम को है तबूक का वाक्य गजब तबूक वो वक्त था फते मक्का और हुनैन के बाद जब वसल्लम की वापसी हो रही थी तो वसल्लम को बताया कि हिरकल जो वहां का रोमन बादशाह है उसने हमले की तैयारी शुरू कर दी है आपको जब खबर मिली तो उन्होंने भी हमले का इरादा फरमाया जंग में जाने का हुक्म दिया और ये जंग में जाने का हुक्म आम था हर आकिल बालिक शख्स को जाना पड़ेगा हज आ, उसमें जंग में हर एक पे फर्ज था और ये वो वक्त था जब फसलें तैयार हैं आपकी फसलों की पर इसार है आपकी मीशत का अगर फसलों की देखभाल ना की और हर आकिल और बालिक शख्स जा रहा है तो कौन पीछे से ख्याल रखेगा अगर फसलें तैयार ना हुई तो मईशत को बहुत बड़ा धचका पहुंचने वाला है गर्मी का सख्त मौसम है गर्मी के मौसम में जाना सफर करना आसान नहीं है इमेजिन कीजिए सहरा है सारे गर्मी इतनी ज्यादा है आगे से सहरा है सवारियां इतनी ज्यादा नहीं है और फिर उससे बढ़कर बात कि आगे इतनी बड़ी लश्कर से मुकाबला है रोमन एम्पायर जिसको कहा जाता है उससे टकरा ले टक्कर लेनी है यहाँ से नबी तैयारी करके निकलते हैं और सब गए थे इसके अंदर सवाए कुछ सहाबा के और कुछ मुनाफिकीन के मुनाफिकीन तो कुछ क्या अक्सर ही नहीं गए होंगे मुनाफिकीन ने अपने लिए कोई उजर पेश कर दिया कोई ना कोई कि मेरी ये तकलीफ है मेरी ये तकलीफ है या मुझे ये जरूरत है हर उज उजर पेश करते रहे और नबी वसल्लम सबके उजर कबूल क्योंकि एक दफा जब हुक्म आ गया फर्ज करें मुसलमानों तुम पर नमाज फर्ज है अब तुम कहो मैं तो आज इतनी मसरूफ थी तो मैं अपने लिए उजर तलाश कर लेती हूँ तो हमें मालूम है चाहे कोई मर भी रहा हो उजर कोई नहीं है इसी तरह उस वक्त उनके लिए कोई उजर ना था कि जहाद पर ना जाए लेकिन लोगों ने आके जिन जिस जिस जिस, जिस लोग ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी और उजर पेश किया तो आपने उनका उजुर कबूल किया और कहा ठीक है मत जाओ इजाजत दे दी और जिन लोगों ने जो मुसलमान थे सच्चे दिल के थे पक्के ईमान वाले थे उनमें से भी कुछ ऐसे थे उन्होंने उजर तो नहीं पेश किया आके लेकिन उन्होंने थोड़ी सुस्ती कर दिखाई कुछ के बारे में तो ये आता है कि उन्होंने सुस्ती इसलिए नहीं की थी बल्कि सुस्ती इसलिए की कि इतना बड़ा काफिला चलेगा आहिस्ता आहिस्ता चलेगा तो हम अकेले जा रहे हैं हम काफिले के साथ नहीं जाएंगे हमारे पास घोड़े भी हैं तेज घोड़े हैं हम उनको कैचअप कर लेंगे हम मिल लेंगे तो उस सुस्ती कोई ऐसी सुस्ती नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उनकी पकड़ हुई थी और बहुत सख्त पकड़ हुई थी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर थर्टी नाइन इल्ला तन फिर अदाबन अलीमा अगर अल्लाह कहता है कि सबके लिए जहाद फर्ज हो गया था अगर तुम ना उठोगे तो तुम्हें वो अजाब देगा दर्दनाक अजाब वही तब दिल और तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले बदल देगा वला त्रू रूह तुम उसका कुछ बिगाड़ ना सकोगे अन कुछ भी बेशक के अल्लाह ताला इस बात पर है इल्ला नसरहु अगर तुम मदद ना करोगे तो नबी की तो अल्लाह ने मदद की थी तुम कैसी बातें करते हो कि तुम्हारी मदद से नबी को मदद हासिल होगी नबी की मदद तो अल्लाह ने की थी इज अखरजालना याद करो उस वाक्य को जब निकाल दिया था काफरों ने उसको और जब वो दो में से दूसरा था जब कहा गार के अंदर उसके साथी ने इन्नल्लाह मत गम करो बेशक के अल्लाह हमारे साथ है क्या हुआ था के कुरैश अबू बकर के साथ थे और कुरैश मक्का उनके ताकुब में उस गार तक पैरों के निशानों से पहुंच गए थे वहां तक जहां तक अः नबीलम जिस गार में छुपे हुए थे लेकिन क्योंकि गार पे अल्लाह का लश्कर ने एक अल्लाह के लश्कर से अल्लाह ने मदद ली नहीं अल्लाह ने मदद की अपने लश्कर से तो क्या था उनका लश्कर एक एक मकड़ी और एक परिंदा वहां पे अंडे भी दे दिए और तो उन्होंने जब इस जाले को देखा तो कहा यहाँ तो कोई दाखिल ही नहीं हुआ होगा इसलिए उन्होंने देखा ही नहीं और क्यों गमगीन हो रहे थे क्यों डर रहे थे अबू बकर सिद्दीक क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मुश्किन मक्का अपने पाऊ में की तरफ जरा गौर से देख लें नीचे की तरफ उस घर में हम नजर आ जाएंगे तो नबी ने उनका तसल्ली दी और कहा मत गम करो बेशक हमारा अल्लाह हमारे साथ है फिर अल्लाह ने उतारा उनके ऊपर सकीनत सुकून अलैहि व अयद और उनकी मदद की जुनूदिन। उस लश्कर से जिसको तुम नहीं देखते वजह कलीमत सुफला और काफरों का क़लिमा काफरों की बात को नीचा कर दिया बेशक के अल्लाह की बात है जो हमेशा ऊपर रहेगी अल्लाह अजीज और हकीम है और कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इनाम रखा गया था वो कितना था सौ ऊंट का इनाम रखा गया था अल्लाह कहते हैं इन फिर व वन चलो तुम हल्के होकर क्या बोझ के साथ वाहिदु वा बीमाल यानी जिस भी हालत में हो तुम तुम्हारे ऊपर जिहाद अब फर्ज है ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो लऊकान आरा करीबन अगर होता फायदा कोई नजदीक का अरबन अरबन करीबन के फायदा उनको हासिल करना आसान होता व सफर और हल्का सफर भी होता तो वो तुम्हारी जरूर पैरवी करते किन के बारे में बात है मुनाफिकों के बारे में मुसलमान मोमिन तो तैयार हो गए थे लब्बैक कहा सबने मिल के लेकिन जो मुनाफिक है अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर कोई आसान सा रास्ता होता या फिर सफर आसान होता और दुनिया का क्योंकि आगे कौन था रोमन एम्पायर है अगर इसके मुकाबले में कोई और कॉम होती जिससे लड़ना आसान होता तो ये जरूर तुम्हारे साथ चलते लेकिन बाऊदत अल्क्का ये कठन ये मुश्किल उनके लिए बहुत दूर कर दी गई ये रास्ता उनके लिए बहुत दूर कर दिया गया वो सयाहूना बिल्ला ही वो कस्में खाते हैं अल्लाह की अगर हम पर इस्तात होती तो हम जरूर आपके साथ निकलते यानी उजर पेश करने लग गए यो लिकुना अनफुसकुम वो अपने आप को हलाक कर रहे हैं अल्लाह ताला जान वल्लाहु तान्यालम अल्लाह ताला जानता है कि यही झूठे हैं अफ अल्लाह अल्लाहका क्योंकि नबी वसल्लम ने उनकी बार बार अः अः तलाश कर लिया था तो अल्लाह कहता है अल्लाह ने आपको माफ़ किया यानी नबी को कहा जा रहा है कि क्यों नहीं आपने थोड़ी टाइम दिया कि अल्लाह आपके ऊपर वजाहत कर देता तो फिर उनकी सबके सब, सब दूध का कहते ना दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता सब पता चल जाता कौन मुनाफिक है कौन मुसलमान आपने उन्हें क्यों माफ कर दिया लेकिन अल्लाह ने आपको भी माफ़ कर दिया लिमा अजिंता लहम उनके लिए रुक्सत देने की वजह से अल्लाह ने इस इस आम, आ, खता को भी माफ कर दिया हत्या या ना लकल लदीना सदा को यहाँ तक के आपके लिए वाजिया कर दिया अल्लाधीना सदा को जिन्होंने सच कहा था यानी जो सच्चे लोग थे अल्लाह ने उनको जाहिर कर दिया वालम और अल्लाह जानता है झूठे लोगों को लास्ता बिल्ला वो आपसे इजाजत ना लेते थे लास्ताजीन कल लदीना यु मीनूना जो ईमान नहीं लाते अल्लाह और आखरत के दिन पर अहिदूबी अमवालिम व अनफुसहिम कि वो जिहाद करेंगे अपने माल और जान से अल्लाह मुत्तियों को जानता है यानी जो मुतकी लोग हैं वो आपसे इजाजत नहीं लेते वो रुखसत नहीं लेते इजाजत का यहाँ कि वो कोई उजर पेश नहीं करते हैं काजिबिन झूठे लोग आते हैं और वो उनके आगे कोई उजर देते हैं और आप उनको इजाजत दे देते हैं कि ठीक है लेकिन मोमिन इजाजत नहीं मांगता इनमा यस ताजिका बिल्लाउमिल आखिर रुखत वही लोग लेते हैं इजाज़त वही मांगते हैं जो ईमान नहीं लाते अल्लाह और आखरत पर वर ताबतूब हूँ उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, तो वो शक में हैं, ये तर मुतरद होकर उसी शक के अंदर और ज्यादा शक वाले बन गए हैं भटक रहे हैं यहाँ बता दिया गया कि जब ये इन आयतों में कि अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आए तो उठना है अब बैठना नहीं है अगर बैठेंगे तो अल्लाह ताला अजाब भेजता है अल्लाह ताला तुख्सत कबूल नहीं करता है जो अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर तो हमारा भी हम ईमान रखते हैं हमने कलमा पढ़ा है अल्लाह को हमारा कब उठना पसंद आएगा अब हमने उठना है ना, काम करना है अल्लाह के लिए कब आएगा जबकि हम इरादा करेंगे अल्लाह तला की आवाज आई और हमने लबेक का ये कोई हीले बहाने नहीं बनाने हैं किसी इन आयतों से हमें क्यों सबक दिया जा रहा है क्या सबक दिया जा रहा है कि हमने कोई बहाना नहीं हमने उठना ही उठना है यहाँ तक आता है कि कुछ लोग वो आएगा आ, आयतों में आगे न, कुछ आयतों के बाद आएगा कि के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए जिनके पास कुछ भी नहीं था हालांकि वो आते और वो कहते कि हम कुदरत नहीं रखते कि हम जा सके आपके पास तो नबी की माफ कर देते उनको लेकिन वो आए कि नहीं आप हमारे लिए इंतजाम करें ताकि हम चल सकें इतनी हद तक तो अगर हमारे ऊपर हमारे पास कुदरत नहीं है किसी काम को करने के लिए तो ऐसे लोगों से राबता जोड़ें जो आपकी हिम्मत बंधाएं और आपको साथ लेकर चलें ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं हमें कि उठो और अल्लाह का कहना मानो कहो आयत नंबर फोर्टी सिक्स वालाजा मुनाफिकों की ही बात हो रही है अगर वो आपके साथ निकलने का इरादा कर भी लें कर अगर वो इरादा करते ला उद्दा। तो अल्लाह कहता है तो कुछ तो तैयारी करते ना ये तो आखिर में आके कह रहे हैं कि हमारे पास उजर है हम जा नहीं सकते तो अगर उनका पहले से इरादा होता तो कुछ तो तैयारी करते लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद था ही नहीं सब अल्लाह ने सुस्त कर दिया उनको और कहा बैठे रहो बैठने वालों के साथ यानी अब कोई बगैर उजर के अगर हम नहीं उठेंगे सॉरी किसी बगैर उजर के बैठे रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है फसब बता हूँ अल्लाह उनको और सुस्त कर देता है और ये हम देखते हैं कई दफा नमाज पढ़नी है सबको पता है नमाज पढ़नी है बस मैं अभी जाती हूँ बस मैं अभी जाती हूँ वो अभी अभी के चक्कर में कितनी दफा ऐसा क्या होता है कितना डिले हो जाता है कि आखिर में बस ठोंगे मारना रह जाता है और कोई पीछे मकसद नहीं होता है बस सिर्फ क्या सुस्ती तो अगर ऐसा मौका आए उसी वक्त उठ जाए क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि जब अल्लाह को पसंद ही नहीं था उन्होंने पहले से कोई तैयारी ही नहीं की थी अगर तैयारी नहीं की तो अल्लाह को पसंद भी नहीं आया उनका ऐसा उठना आपने कदम बढ़ाया ही नहीं तो अल्लाह क्यों तो फिर आपकी मदद करेगा अल्लाह ने सुस्त कर दिया और कहा बैठे रहो अब तुम पीछे जो बैठ गए हैं उनके साथ और पीछे बैठने वालों से यहाँ बार बार आएगा आयतों में तो बेकादीन का किसी उजर के साथ पीछे बैठ गए थे लुफी और अगर ऐस ये मुनाफिक तुम्हारे साथ निकल भी जाते तो माँ जादुकुम अल्ला तो तुम्हारी सिर्फ मुश्किल में ही इजाफा करते कमी ना करते मगर मुश्किल में यानी कोई कमी ना छोड़ते और मुश्किलों में अजाफा ही होता वाउ खिला और तुम्हारे दरमियान में यब हु फितने को तलाश करते हुए दौड़ते फिरते हर वक्त कोई ना कोई उजर पेश करते रहते अब मुझे ये तकलीफ है मुझे ये करना है अब मुझे वो आ रहा है आप लोग देखेंगे इस तरह भी आपस की एक टीम जब होती है उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर सामने आते हैं प्रॉब्लम लाने का मकसद क्या बताने का जब तक के कोई हल नहीं है ना डिस्कस करो उसको बजाय के ये कि आके किसी बात पे उनको एनकरेज करो और जो काम हो रहा है उसके लिए चलो और आगे बढ़ो बजाय ये करने के बस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते रहते हैं ये कैसे सॉल्व होगा ये कैसे सॉल्व होगा तो क्या होता है उससे सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ नजर होती है बजाय के इसको देखें कि हम आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए क्या अच्छाइयां हैं हर काम में हर चीज में मुश्किलात और प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय अपनी ग्रोथ पे हमें ध्यान देना चाहिए वफीकम और तुम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों की बातें सुनते हैं वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को जानता है ये जो सुनने वाले इनको यहाँ पे मुराद है कि कुछ सादा लोग मुसलमान भी थे जो उनकी बातों को समझ के ऐसा उनको ख्याल आता था, था शायद ये सच कह रहे हैं लेकिन ये भी हो सकता है और यानी ये होता है कि वो उनकी हकीकत से वाकिफ नहीं थे लेकिन अल्लाह बताता है अल्लाह जालिमों को ज्यादा जानता है लकदिब तक फितन... ल... उन्होंने फितने को इससे पहले भी तलाश किया था यानी वो टो तो में हर वक्त लगे रहते थे फितने के वक़ल लबू लकल उमूर और तुम्हारे मामलों को उलट पुलट कर देते थे यानी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बार बार कोई चीज बीच में लेके आते थे यहाँ तक के हक आ गया और अल्लाह का काम अल्लाह का अमर अल्ला का अ, अ, इरादा अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया खा वो उनको नापसंद हो। वा मैं यकूलू ली वला ये उस शख्स के बारे में बात है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा था और इतनी बेहुदा बकवास की थी उसने कहा उसके मुझे इजाजत दे दे दीजिए और मुझे फितने में ना डालें अला फिलफना तु अल्लाह कहते हैं कि याद रखो वही फितने में पड़ चुका है यानी ऐसे उजर ला के वो खुद फितने में पड़ गया है और क्या उसने आके कहा था कि आपको पता है हम वहां रोमन के जा रहे हैं उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां की तो औरतें इतनी खूबसूरत है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकेगा और मैं जिना में पड़ जाऊंगा तो मेरे लिए अपनी जान का खतरा है यानी अपने फितने का खतरा है इसलिए मुझे आप रुखसत दे दें मैं ना जाऊं तो ये कितना बेहूदा एक चीज है अल्लाह कहता है वो अपने ही कहे में खुद ही फितने में पड़ गए यानी अपने ही लिए बर्बादी का उन्होंने कर लिया वही न जहन्नमी तुम बिल काफिर बेशक जहन्नम ने उनको काफिरों को घेरा हुआ है इन तुसिबी का हसन तुन तुस हो अगर आपको कोई अच्छाई आती है उनको बुरी लगती है और अगर आपको कोई मुसीबत पहुंचती है तो उससे वो खुश होते हैं क्या कहते हैं अखजना अमराना मिन कबल हम बच गए हमने तो पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया बाल बाल बच गया मैं जो उनके साथ नहीं गया जब उनको तकलीफ पहुंचती है तो वो इस तरह की बातें करते हैं और वो खुश होते हैं वही तवल और मुंह फेर के वापिस जाते हैं जबकि वो खुशी की हालत होती है उनकी कुल नहीं उसी बना मा मा आप कह दो अल्लाह ताला से कह रहे हैं नबी से कि आप उनको बताओ कि हमारे लिए तो जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया है वो तो होकर रहेगा वही हमारा मौला है और मोमिन को चाहिए कि अल्लाह ही पर तोल करे कुल हल तरफ बस होना बिना अल्लाहदल तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो दो नेकियों के अलावा क्या नेकी क्या दो नेकियों के अलावा और क्या है यानी हम तुम ये कहते हो कि हम जाएंगे और मारे जाएंगे तो हमारा ही फायदा है अगर हम मारे जाए तो हमें शहादत नसीब होगी अगर हम ना मारे जाए तो हमें फतेह होगी दोनों ही सूरतों में फतेह तो हमारी ही नेकियां तो हमारे ही खाते में आएंगी तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो इन दो नेकियों के अलावा व बिकुम अन अल्लाह मिन औ दीना और हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें अल्लाह किसी अजाब तुम्हारे ऊपर पहुंचाएगा अपने पास से या फिर हमारे ही हाथों तुम्हें अजाब मिलेगा पता रब बस तो ठीक है तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करने वालों में से बन जाते हैं तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं कुल करहन मिनकुम ये उन लोगों की बातें हैं कि कुछ लोग आए और उन्होंने कहा मेरे लिए फला फला उजर है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पैसे भेज देता हूँ या मेरे से ये माली मदद ले लो तो अल्लाह ने कहा कि क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त जान माल हर तरह से पूरी पूरी हर एक बंदे के ऊपर ये फर्ज था तो अगर कोई नहीं जा रहा है बगैर उذر के तो ये कबूल नहीं है उस शख्स ने ये उذر दिया आके कि मेरे से आ, ले लो आ, पैसे ले लो तो अल्लाह ताला ने कहा चाहे तुम खर्च करो खुशी से या मजबूरी की हालत में तुमसे कुछ भी कबूल ना किया जाएगा बेशक तुम कौम हो ऐसी कौम जो फासिक है और कहा जाता है कि इसने भी किया होगा ये जो पहला शख्स आया था जिसने अपना उजर दिया है फितने में पढ़ने का वो भी हो सकता है और इसके अलावा दूसरे लोग भी देखा देखी करता ही है फिर इंसान मुनाफिक तो करेगा बहाने चाहिए उनको वमा मा मना हूं अंतुकबला और उनके कबूल होने से रोका होने की वजह यह ना थी कि उनका खर्च करना मगर ये उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया था और नमाज की तरफ वो नहीं आते थे इल्ला ये के कुसाला कुसाला यानी कस्मत कसम कसम हुए उठते थे वला और वो खर्च नहीं करते थे मगर उसको नापसंद करते हुए तो अल्लाह ताला ने उनके सदक़ात को कबूल क्यों नहीं किया उनके सदक़ात कबूल किए जाने की कोई चीज माने ना थी इसके सिवा ये कि उन्होंने कुफर किया है अल्लाह उसके रसूल के साथ और नमाज भी नहीं पढ़ते सही तरह से ना ही खर्च करते हैं और अगर खर्च करना भी पड़ जाता है तो उनको नागवार गुजरता है फला तो अम्बाल हूँ वाला अवलाद हूँ तो आपको धोखे में ना डाल दे ताजुब तोजब तो का आपको ताजुब में ना डाले धोखे में ना डाले आपको अच्छा ना लगे उनका माल और उनकी औलाद बेशक के अल्लाह क्योंकि माली मदद तो अगर जिसकी भी की जाएगी उसको अच्छा ही लगेगा तो आप कबूल ना करें आपको पसंद ना आए बेश अल्लाह उनको इसी माल और औलाद के जरिए अजाब देना चाहता है दुनिया की जिंदगी में भी वह हम अनफुसारिफून और अल्लाह ताला उनकी जानों को निकालना चाहता है जबकि वो कुफर की हालत में हो वह या, यानी पूरी दलील के साथ अल्लाह उनको मारना चाहता है वह याफुना बिल्ला ही इन लमिन कुम और वो कसम खाते हैं अल्लाह की हम के वो तुम्हारे साथ हैं, जबकि वो तुम्हारे साथ नहीं है ये तो ऐसी कौम है जो डरने वाली है खौफ है डर रहे थे किससे रोमन एम्पायर से लेकिन आगे से उजर दूसरे पेश करते थे अल्लाह ने उनका पोल खोल दिया लाउ यूना मलजान उनको अगर कोई जगह मिल जाए मलजा कोई पनागाह मिल जाए या मगारात या ऐसी जगह मिले जो के गार की तरह से हो या मुद, म, मुद या फिर कोई दाखले की जगह यानी कोई बिल उनको कोई घुसने की जगह कोई खो कुछ भी ऐसा मिल जाए वो भाग जाएंगे उसके अंदर यजमाहून उसी में घुस जाएंगे सदाक़ सदकाती और वो आपको उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको सदकात की तकसीम के बारे में इल्जाम देते हैं यानी ये नबीम के ऊपर जब सदकात आते थे तो आपको कहा कि इन ये नबीसलम इंसाफ के साथ तकसीम नहीं कर रहे उनको पता था किसको किस क्या जरूरत है नबी को वही आ रही है वो कर रहे हैं अल्लाह ताला कहता है कि फ इनतू मिन जो उनको दिया गया अगर वो राज़ी हो जाते व इलम व्यव मिनह यस खतून दोनों फ इन औरतू तो जो उनको दिया जाता है उसमें से रदू वो राजी हो जाते हैं और तो अगर जिसको नहीं दिया जाता उन उनमें से किसी चीज किसी को नहीं दिया जाता तो वो बिगड़ने लगते हैं यानी उनको तकसीम पे खुश नहीं थे कि इस तकसीम के साथ बोला हम रदू माँ आता हमला तो अगर वो राजी हो जाते जो अल्लाह उसके रसूल ने उनको दिया है और वो कहते अल्लाह अल्लाह हमारे लिए काफी है तो फिर अल्लाह हम उसको देंगे मिन फ ही व रसूल अल्लाह का रसूल भी और अल्लाह भी जरूर उनको देगा अपने फजल से बेशक के इलाबूल हम तो उसी की तरफ रगबत रखने वाले हैं सदकात का सदक बता दिया कि कहाँ खर्च किए जाएंगे सदक़ा के, के लिए है आमिलीन के लिए है यानी सदक़ात के ऊपर तकसीम के लिए या उसका काम जो कर रहे होते हैं इस मैनेजमेंट में तकसीम के काम में उनके लिए है वल क्लूब हूँ या ऐसे दिलों को मोहब्ब ऐसे दिलों के लिए है जिनके अंदर मोहब्बत पैदा करनी हो वफिर रिकाब गर्दन छुड़ाने में है कर्जदार के लिए और अल्लाह की जिहाद में जो निकला उसके लिए वफ़ी सभी और वबने सभी मुसाफिर के लिए फरीदौत मिनल्ला ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है ये आठ मसारिफ हैं जो जक़ात के लिए बता दिए गए कि जकआ़त सदक़ात इनको दिए जाएंगे अच्छा, फर, फकीर और में क्या फर्क होता है जो उससे भी ज्यादा गरीब हो मिस्किन जिसके पास कुछ है ही नहीं और फिर जिसके पास थोड़ा बहुत हो लेकिन फिर भी इतना ना हो के गुजारा कर सके तो फकीर जो मीशत का किसी का मोहताज हो और वो किसी भी तरह का मोहताज हो सकता है वो जिसमानी भी हो सकता है उसको भी फकीर कहलाएंगे अरबी में आ, किसी को कोई यतीम है बेवा है वो भी फकीर कहलाएगी अगर उनके पास मीशत नहीं है तो मिस्कीन जी मिसकीन फकीर से भी ज्यादा गरीब है तो ये आठ मसारिफ हैं यहाँ पे खर्च करना चाहिए व मीन और जब आप देने का वक्त आए जक़ात को देने का तो सही तरह से जांच पड़ताल करके उनको दी जाएगी वाम लदीना नदी नून नबीया व यकूल हुआ उदन और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको नबी ने इजाजत दे दी थी वो कहते हैं कि इसके तो कान हैं बताती हूँ मैं उनमें से बाज वो लोग हैं जो नबी को तकलीफ देते हैं सॉरी नबी के नबी को तकलीफ देते हैं और वो कहते हैं कि नबी के कान हैं कभी नबी के कान से मुराद है कि कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की बात सुन लेते हैं हर कोई जो आ रहा है कह रहा है वो सबकी बात सुने चले जाते हैं इस तरह की बहुत कच्चे कान वाला है ये इस तरह की बात नबी के लिए की है ये ये बातें तकलीफ देती हैं काम करते तो उनको, उनको जी अगर वो गरीब है तो जी क्योंकि वो काम में लगे हुए हैं ना से आएगा उनके न दिल जीतने के लिए ये हम अपनी तरफ से नहीं देंगे आप अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लें उसी को दिया जाएगा जिसकी उस वक्त की बात है अब कहते हैं मोलफतलूब की जरूरत नहीं है कुछ उलमा के नजदीक ये ये वाला कैटेगरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्यों क्योंकि अब हमें दिल किसी को निकालने की जरूरत नहीं किसी की तरफ इस्लाम के हाय हमारा इस्लाम इतना अच्छा है नहीं अब इस्लाम को अल्लाह ने रुतबा दे दिया है एक पूरी पावर बन चुकी है अब हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी के आगे बिछे जाए किसी का दिल जी ऐसा मुस्लिम ऐसा मुस्लिम जिसको आपको पता है अभी अभी है है कि मुसलमान हुआ नया और ऐसा लगता है कि अगर उसको ये सख्ती आ रही है पैसे की सख्ती है और उसकी वजह से ऐसा ना वो छोड़ दे जैसे कि हमने अक्सर सुना है देखा तो नहीं है मैंने लेकिन अक्सर सुनने में आया है कि अक्सर जहाँ पे जैसे जल्जले वगैरह आते हैं वहाँ पे मिशनरीज जाके क्रिश्चियन मिशनरीज जाके काम करते हैं और लोगों को क्रिश्चियन करते हैं क्यों करते हैं वो जाके कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे तुम तो क्रिश्चियन बन जाओ तुम्हारे लिए इतना भूख का आलम है ना सर पे छत है जो जरूरतमंद होता है उसको तो खाना चाहिए रोटी चाहिए दो वक्त रोटी चाहिए और छत चाहिए कितनी कितनी उनकी तकलीफें होती हैं कितना कितना सर्दियों के मौसम है तो अगर उसमें जाके वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं और क्रिश्चियंस बना रहे हैं तो मुसलमान भी ऐसे लोगों को दे सकते हैं जाके कहें कि मुसलमान हो जाओ या जो नहीं हो जाओ बल्कि जो मुसलमान हैं और आपको लगता है कि ऐसे छोड़ ना दें वो तो उनके लिए भी दे सकते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल है इनके अंदर कर्जदार कर्जदार वो है कि जैसे इतना कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया है कि अब वो सारा कुछ बेच भी दे तब भी उसका कर्जा ना उतरेगा तो उसके कर्ज के लिए भी हम दे सकते हैं लेकिन उसमें ये घरों के कर्जे बिल्कुल नहीं आते हैं या वो कर्ज है कि बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था जायज कर्जा नहीं है ठीक है तो ज्यादातर तो अब फकीर और मिस्किन को देना चाहिए हम जैसे बंदे जिनको इतनी ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है अल्लाह ये कि आपके कोई मुफ्ती आप जिनसे ताल्लुक हो आपका आप उनसे पूछे हालात बयान करें और किसी को देना चाहें तो जरूर लेकिन सोच समझ के तो वो नबी को तकलीफ देते हैं कहते हैं कि ये सुनता है बहुत ज्यादा सुनता है कुल खैर कहो कि ये सुनना ही बेहतर है यानी अगर नबी तुम्हारे लिए इजाजत ना देते तुम्हारी बात को ना सुनते तो क्या होता तुम्हें निकलना पड़ता उनको बताओ ये सुनना तो बेहतर है यो अमिन वमिनी वो वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यकीन करते हैं मोमिन पर रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए तुम में से वह लदीना रसूल अल्लाह जो लोग रसूल को ईजा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब या राज़ी कर लेंसूल जबकि और अल्लाह का हक ज्यादा है कि उनको राजी किया जाए इन कानू मोमिन अगर वो मोमिन है तो अलम यामो क्या उनको ये नहीं पता है अल्लाह मई हद्ला जिसकी मुखालफत जिसने की मखालफत अल्लाह और उसके रसूल की तो उसके लिए जहन्नम की आग है उसमें वो हमेशा रहेगा बेशक कि ये बड़ी रसवाई वाला अजाब है मुनाफिक डरते हैं किस बात से डरते हैं कि मोमिनों के ऊपर ऐसा ना हो कि कोई नाजिल हो जाए सूरत जो तुनब बता दे जो कुछ उनके दिलों में है अब उनको ये डर लगने लग गया था मुनाफिकों को क्योंकि आयतें उतर रही हैं सामने सामने उनके पोल खुल रहे हैं तो जो कुछ उनके दिलों में था अब इस बात से वो तो जाहिर तौर पर जो चीजें हो रही थी उसके बारे में नबी ससन को बताया जा रहा था अब उनको डर लगा कि जो दिल में वो बैठ रखे बैठे हैं बोगज या जो कुछ भी है उनके दिलों में प्लानिंग ऐसा ना हो कि वो उसके बारे में कोई सूरत उतर जाए कुलिस तजी वो मजाक करते थे बेशक अल्लाह तला ने जिससे वो डरते थे अल्लाह कहता है कि मजाक करते रहो उड़ाओ मजाक जैसे कि तुम कर, पहले उड़ाते रहे थे उड़ाओ बेशक अल्लाह ताला निकालने वाला है जिससे तुम डरते हो यानी अल्लाह पोल खोल देगा बोला इन साहू और अगर वो आपसे पूछते इन ना कुन्ना व नाला तो जरूर कहते वो आप अलता तुम उनसे पूछते तो वो जरूर कहते कि हम तो ये हंसी मजाक कर रहे हैं यानी जब बात की जाती है उनसे कि तुम इस तरह के मजाक क्यों करते हो या इस तरह की बातें क्यों करते हो कहते तो, सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं कुल अब आयात ही वह रसूल ही खुद तुम तस्ताजे हूँ अल्लाह की आयतों उसके रसूलों से तुम अल्लाह से इसतजाक करते हो यह तुम्हारी जरूरत की तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाओ या उस उनके बारे में कोई हंसी मजाक करो लाता तदिरु अब कोई उजर ना पेश करो कद कफर तुम बाद ईमान के तुमने ईमान का कलमा पढ़ा था उसके बाद तुमने कुफर किया है इन आफो अंता इफतिम को तो फिर जब अगर हम माफ करते हैं एक गुरु को जो तौबा करते हैं तुम में से नुअज़िबता इफतुन और हम अजाब देते हैं एक गुरु को उनमें से जो मुजरिम है अल मुनाफिकून वल मिन बाद मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे से आपस में एक दूसरे ही से हैं या मरूना बिल मुनकर मुनाफिक क्या करते हैं या मरूना बिल मुनकर मुनकर का हुक्म देते हैं और अच्छी बातों से रोकते हैं वह यकबिदा एदिया हूँ और वो उनके हाथ बा, आ, बांध लेते हैं अपने हाथों को बांध के रखते हैं बंद कर लेते हैं किससे खर्च करने से अल्लाह की राह में उन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया बेशक इन मुनाफिक फासिक मुनाफिक ही फासिक हैं। अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिक मर्दों औरतों से और कुफार से जहन्नम की आग का जिसमें हमेशा रहेंगे उनके लिए वो काफी है अल्लाह ने उनके ऊपर लानत की है हमेशा के लिए उनके लिए अजाब है और ए मुनाफिकों कल अमिन कबली को तुम लोगों का हाल ये है जैसे कि पहले के लोग गुजर चुके हैं कानू अशदिन तुम कौवा वो तुमसे ज्यादा सख्त थे कौवत में और माल और औलाद में भी ज्यादा थे भी खला की उन्होंने अपने हिस्से का फायदा उठा लिया तुम भी अपने हिस्से का फायदा उठा लो फ़ायदा उठाया तुमसे पहले लोगों ने अपने हिस्से का वह खुदी खादू उसकी तरह जो मशगूल रहते हैं उसी की तरह तुम बेहूदा बातों में ऐसे ही करते रहो जो तुम मशगूल रहे हो जिस तरह तुम पहले करते रहे थे अभी भी वही करते रहो क्या होगा उनके आमाल जाया हो गए दुनिया और आखरत में और वही खसारा पाने वालों में से हैं क्या तुम इन मुनाफिकों को उन लोगों की खबरें नहीं पहुंची हैं उनसे पहले लोगों के कौम की नूह आद समूद इब्राहिम की कौम मदियन वालों की और उल्टी हुई बस्तियों की खबरें क्या उन्हें नहीं पहुंची हैं हम उनके पास रसूल आए थे खुली निशानियां लेकर लेकिन अल्लाह ने फमा का और उनको जब वो बर्बाद हो गए हैं तो अल्लाह कहते हैं फमा का अल्लाह की शान नहीं है कि अल्लाह उन पर जुल्म करे अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है अवलिया हैं मुमिन मुमिन के है। एक दूसरे के आपस में मददगार हैं निकी का हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं नमाज कायम करते हैं जक़ात देते हैं अल्लाह और रसूल की इताय करते हैं यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह रहम करेगा अल्लाह अजीज और हकीम है वाद अल्लाहना वलमोमिन अल्लाह ने मोमिन मर्दों औरतों से वादा किया है बागत का जिनके नीचे नहरें बहेंगी हमेशा रहेंगे वो उसमें तयबा और उनके लिए बहुत पाकिजा होंगे घर होंगे उन बात हमेशा के बागों में अल्लाह की रजामंदी है उनके लिए जो सबसे बड़ी नेमत है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है ए नबी जाहे दिल्कुरा वल मुन काफिर और मुनाफिक के बारे में सख्त हो जाइए सख्ती से काम लीजिए उनके साथ लड़ते रहें लोग और उनके ऊपर सख्ती दिखाए मुनाफिक के मुनाफिक के लिए उनका ठिकाना है वह और बहुत ही बुरा ठिकाना है यह लिफून अब वो कस्मे खाते हैं अल्लाह की माँ कलू के उन्होंने नहीं खा कहा ये खास किस्म के वाक्य की तरफ इशारा है बहुत सारी इसमें रिवायत आती है एक ये भी है कि आप सल्लाम की ऊँटनी गुम होने पर कुफार ने मजाक मजाक उड़ाया था कि आसमान की खबरें तो लेकर आते हो और अपनी उठने का पता नहीं है तुम्हें या फिर ये उस वाक्य की तरफ आ, करता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने साजिशें की थी जो कि बाद में आ रहा है इसी जुमले में आ रहा है साजिशें की थी और वो साजिश को पूरा ना कर सके थे और ऐसे ऐसे कॉल जिससे नबी को तकलीफ पहुंचती थी जब उनसे उनको कन्फ्रंट किया जाता था कि तुमने ऐसा कहा है तो वो कहते थे कि नहीं हमने ये नहीं कहा तो कस्मे खाते हैं माँ कॉलू के उन्होंने नहीं कहा फर जबकि वो कलमा जब कुर कह चुके व वफर इस्लामी अपने इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफर किया है हम और उन्होंने साजिशें की हैं जिसको वो नहीं पहुंच सके और वो साजिश ये थी कि नबी सर सलम पर हमले का प्लान बनाया था लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो सका था वमा वमान रसूल और उनका ये इंतकाम लेना सिर्फ इसीलिए है अल्लाह ने और उसके रसूल ने उन मुसलमानों को गनी कर दिया है अल्लाह ने उनको गनी कर दिया है Just one second, sorry. सिर्फ इसी वजह से वो मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं यतूबु यकु खैर और अगर वो तौबा कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा और अगर वो रूगरदानी करते हैं तो अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब की दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब देगा और उनके लिए कोई भी यारो मदरगार जमीन में वो ना पाएंगे व मिन हम मन आहद अल्लाह और उनमें से बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया है क्या किया कि अल्लाह ने हमें अगर अपना फजल अता किया तो हम जरूर खैरात करेंगे उन्होंने तो बुखल किया और वो एराज करते हैं और रू गर्दानी करते हैं और ये इसमें उसी शख्स के बारे में आता है जो वाक्य पहले मैं बयान एक दफा कर चुकी नबी वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे लिए मालदार होने की दुआ कीजिए आप सर ने उसको समझाया ये कहा था कि मत इस तरह की बात करो क्योंकि वो माल बेहतर नहीं है जिससे तुम गाफिल हो जाओ कहा जाता है उसकी उसकी नमाजें हर नमाज मस्जिद में होती थी फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दिन की नमाजें छोड़ने लग गई आहिस्ता आहिस्ता करके माल की रखवाली में इतना मसरूफ हो गया कि सिर्फ जुम्मे को आने लग गया फिर जुम्मा भी छूट गया वो फिर शहर से बाहर चला गया और फिर एक दफा का वाक्य कि जब उससे जक़ात लेने के लिए जब पहुंचे हैं कि जक़ात दो उसने जक़ात देने से मना कर दिया तो वो क्या होता है वो तो कुफर है निफाकन फी कुलूबिहिम तो सजा के तौर पर अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक को डाल दिया मिलने के दिन तक बिमा अखलफ मा वादाहु जो वादा उन्होंने किया उसके खिलाफ करने की वजह से अल्लाह के साथ बेशक के वो बबीमा कानू यो कु जो झूठ बोलते थे उसी की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर सजा नाजिल की अलम यालमू या सिर्रहुम व नजवाहुम क्या उनको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला हर पोशीदा चीज को और उनकी सरगोशियों को जानता है बेशक अल्लाह ताला अल्लामुल मुलगयूब अल्लाह ताला बहुत बड़ा जानने वाला है गैब की बातों का अल्लादीना यलमिजूना और ये ऐसे लोग हैं जो ऐब लगाते हैं मोमिनीन पर सदकात के बारे में ताने करते हैं अल मुतवीना मिनल मोमिनीन फिस जो के खुशी से नफिल सदका करते हैं वो मोमिन जो छोटे छोटे नफिल सदका लेके आते हैं उनके बारे में ताने देते हैं जैसे कि हमें मालूम है कि एक सहाबी सारी रात उन्होंने कमाई की थी और सिर्फ एक मुट्ठी मुट्ठी भर भर खजूर, भर खजूर में कितनी होती हैं, अगर सोचा जाए तो वो खजूर उनको पूरी रात एक यहूदी की यहूदी के यहाँ काम करके उनको मिला था और उस शख्स ने उन सहाबी ने लाके वो उस ढेर पे डाल दिया था जहा पे तबूक के लिए सब जमा किया जा रहा था तो ये लोग ऐसे हैं जो कि नफिल सदका करने वालों को मोमिन में से अः तने देते हैं वल्लिन अल्लाजिदूना जो दू और ये वो ऐसे शख्स हैं यानी मुसलमान ऐसे हैं जो नहीं पाते मगर अपनी कमाई यानी कमाई के अलावा कुछ सदका नहीं कर सकते इतने खैरात हैं फैसर अमीन हो वो इनका मजाक उड़ाते हैं सखीर अल्लाह मिन हूँ अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने उनका मजाक उड़ाया उनके लिए दर्दनाक अजाब है आयत नंबर एटी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी के लिए इस्तफार करने से मना कर दिया गया अस्तगफिर अस्तफिर औला तस्तगफिर लहूं आप उनके लिए इस्तार करें क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन थे वो तो हर एक के लिए एक रहमदिल गोशा रखते थे और वो चाहते थे कि किसी तरह इनके लिए मैं इस्तफार करूं तो शायद इनकी बख्शिश हो जाए तो आपको मना किया गया कि आप इस्तार करें या ना करें फरत मांगेंगे तब भी अल्लाह उनको बख्शेगा नहीं ये इस वजह से कि किया फासिक काम कौम को हिदायत नहीं देता अल्लाह ना फरमानों को हिदायत ना नहीं देता ना फरमान कौन होता है जो अल्लाह का फरमान नहीं मानता बार बार अल्लाह के फरमान को ना मानने वाला फासिक होता है फासिक और फाजिर किसको कहा जाता है मुसलमानों में से लोगों को कहा जाता है फासिक और फाजिर ये तो बड़ा फासिक और फाजिर है जो न, क, काम नहीं करेगा ऐसा जो खुल के कि मैं नहीं करना नमाज के लिए नहीं निकलते लोग नहीं पढ़ते और आज मेरे नील पॉलिश लगी हुई है घर जाके पढ़ लूंगी अभी वजू नहीं है इस तरह के देखते हैं ना हम ये खुला खुला ऐलान कर रहे हैं कि हमने नहीं करना काम ये कि उनकी वाकई ही मजबूरी हो किसी की वाकई मजबूरी हो कोई और जरूरत हो सकती है किसी की हमें दिलों का हाल नहीं पता हम किसी के ऊपर फासिक फाज का पतवा नहीं लगाएंगे लेकिन अल्लाह कहता है ना फरमानी करने वालों को नहीं हिदायत देता अल्लाह ताला फिर आता है वाक्य उन लोगों का जिन्होंने जो तबुग में नहीं गए थे फरी हल मुखलफूना बि मक पीछे रह जाने वाले अपने बैठने की वजह से खुश हैं खिलाफ रसूल अल्लाह के रसूल के पीछे जाने की वजह से अल्लाह के रसूल के जाने की वजह से यानी अब वो पीछे रह गए वो चले गए हैं जाने के बाद अब वो खुश हैं वह करी हूँ सभी है उनको ना पसंद था कि वो अल्लाह के वो अल्लाह की राह में अपनी जान और माल का जिहाद करें वो कौलू और उन्होंने कहा तुम भी मत निकलो इस गर्मी में यानि ये अकल की बात नहीं है गर्मी में जाओगे तो मारे ही जाओगे तुम तो वहां तक पहुंचोगे नहीं इतना लंबा सफर है उस सफर के दौरान ही तुम्हारी मौत आ जाएगी कुल नारू जहन्नम अर्रा उनको कह दो जहन्नुम की आग बड़ी सख्त है मैं स्काफ नहीं ले सकती मेरा दिल इतना घबराता है अंदर से कि मुझे ये हीट निकलती है उनको बताओ जहन्नुम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है अगर ये यहाँ की हीट तुम इस काफ़ के अंदर नहीं ले सकती कपड़ों को कवर नहीं कर सकती अपने जिसम को तो उस दिन कैसे तुम्हारा जिसम वो हीट को ले सकेगा उस आग को कैसे बर्दाश्त करेगा उनको बता दो जहन्नुम की आग बहुत ज्यादा सख्त है काश के वो ये बात समझते होते उनको रोने दो उनको चाहिए कि वो थोड़ा रो लें अभी रो लें सॉरी हंस लें फलिया हकूकलीलन उनको हंसने दो वलियपकू कसीरन फिर वो रोएंगे बाद में जजा बिमा कानू यक्सबून ये जजा है उनकी जो बाद में करते रहे हैं उस अमाल का बदला है फयर रज़ा अल्लाह फिर जब अल्लाह आपको वापस ले आए इला ताइफते मिनहु उस उन, उन में से एक ग्रो की तरफ यानी जब आप पलटकर वापस आ जाएं और आप से फस्ताजनु का للخروج अब आप नबी सल्लल्लाहु से अगर वापसी होती है अल्लाह ताला के नबी को लेकर आएगा अल्लाह फिर ये लोग अब कहेंगे कि अब हम हमारे साथ आपके साथ निकलेंगे इजाजत मांगेंगे कि अगली दफा जिहाद में हम आपके साथ जाएंगे तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने क्या कह दिया या आबादी कि इनको बता दो कि तुम अब मेरे साथ कभी नहीं निकल सकते ना ही तुम लड़ाई करोगे दुश्मन के साथ दुश्मन मेरे साथ दुश्मन के मुकाबले में यानी एक दफा तुमने मना कर दिया एक फर्ज को मना करने का अंजाम जो फर्ज किया गया था उसको उन्होंने मना किया नहीं निकले अब अल्लाह ने कहा कि अब तुम कभी भी नहीं निकलोगे और ना ही नबी के थ्रू कहवा दिया कि ना ही दुश्मन पर जब मैं लड़ूंगा तो मेरे साथ नहीं क्यों क्योंकि तुमने बैठने को रजामंदी जाहिर की बैठने पर पहली दफा बैठने पर तुमने रजा दी तो अब बैठे रहो पीछे रह जाने वालों के साथ वला तो सली अल्लाह ये लोग ऐसे हैं कि ए नबी अब आप इनके ऊपर अगर कोई शख्स मर जाता है तो आप उन पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और उनकी कबर पर भी ना खड़े होंगे बेशक उन्होंने कुफर किया अल्लाह और उसके रसूल पे और वो फिस्क की हालत में मर, मर गए हैं ना फरमानी की हालत में उनको मौत आई है आपको उनके माल और उनकी औलाद ताजुब में धोखे में ना डाल दें बेशक के अल्लाह ताला उनको इसी माल और औलाद बिहा माल और औलाद से ही अजाब देना चाहता है दुनिया में और जब उनकी जाने निकलें तो वो हालत कुफर में हो अल्लाह ताला दलील के साथ मारना चाहता है वह ईदा उन जिलत सूरत आमिन और जब कोई सूरत नाजिल होती है आयत नंबर 86 जब कोई सूरत नाजिल की जा को होती है अल्लाह पर के और उसमें यह हुक्म होता है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के साथ रसूल पर और जिहाद करो उसके रजूल के साथ तो उनसे जिनके पास कैपेबिलिटी होती है उलुताउल जिनके पास आ, जो कुदरत रखते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है पैसे वाले लोग हैं कुदरत वाले लोग हैं तो वो आपसे आके इजाजत लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें पीछे ही छोड़ दें बैठा रहने दें किसी ना किसी उजर के तहत वो आते हैं और आपको कहते हैं ये कुदरत वालों की बात हो रही है जिसके पास ही नहीं है इस्त ही नहीं है कि वो जा सके कोई फर्ज करें कोई माजूर है 800 माजूर मील का सफ़र कैसे तय करेगा जब तक कि उसके पास सवारी ना होगी तो जब तक उनके पास कोई उजर नहीं है, और वो इनके पास है वो जब मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पीछे रहने दो रदू बी माल खाला, खाला, वो राजी हो गए इस बात पर कि वो घरों में पीछे ही रह जाए अल्लाह ने उनके कलूब के ऊपर उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी अब वो किसी बात को समझ नहीं सकते तो इस्त होते हुए कोई काम ना करना अल्लाह की मोहर के मजदाक है अल्लाह हमें बचा के रखे अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करें जो अल्लाह के अहकाम एक पर लबैक कहने वाले हैं अल्लाह ताला हमें कायदीन के साथ ना बिठाए अल्लाह ताला हमें पीछे रह जाने वाले और फिर उजर देकर अपनी अपनी ही उजर पर खुश होने लगता है अल्लाह जो शख्स अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल ना करे अल्लाह ताला हमें उनमें करे जो नबी के साथ आगे बढ़कर काम करने वाले हैं अल्लाह ताला हमें सिद्दीकीन शुहदा में शुमार करे लेकिन आयत नंबर 88 एट लाकिन रसूल वल्लज़ीन आमनू माहू जाहदू बी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अल्लाह कहता है कि रसूल और वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ जहाद किया नफ्सों से और अपने माल से यही इन्हीं के लोग यही वो लोग हैं जिनके ला जिनके लिए भलाइया हैं नेकियां हैं और यही पाने वाले हैं अल्लाह अल्लाह ने उनके लिए बागात तैयार करके रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी हमेशा के लिए वो उसमें रहेंगे यही बड़ी कामयाबी है वजा अलमोजर मिन आरा भी और मुआजिर जो उजर देते हैं उनमें से अरबियों में से आते हैं वो आपके पास कि उनके लिए इजाजत दी जाए अब यहाँ पे उनका भी जिक्र आ रहा है कि जो एक तो थे जो लोग मदीना के इर्द गिर्द में रहते थे मदीना में रह रहे हैं इर्द गिर्द में लोग रह रहे हैं और वो आके आपको उजर देते हैं लेकिन कुछ ऐसे बद्दू भी जो दूर दूर के इलाकों से आके उनके दिलों में भी अच्छी तरह ईमान ने अभी घर नहीं किया ऐसे भी बाहर से आए हैं जिन्होंने आपसे इजाजत ली है तो उन दोनों के बारे में यहाँ बातचीत चल रही है अल्लाह कहता है वजा जा अल्मोजी बहाना बनाने वालों में से देहातियों में से कुछ आते हैं कि आप उनको इजाजत दे दें वह कजब्ला रसूला और वो पीछे बैठ के रह गए हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूल को जुटलाया था अजाबुन कफ़र उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया दर्दनाक अजाब जरूर पहुंचेगा और पहुंचे कमजोर लोग लो, ना तो उनके ऊपर कोई हरज है ना किसी मरीज के ऊपर ना ऐसे लोग जो खर्च करने के लिए कुछ नहीं पाते उनके लिए कोई हरज नहीं इदा न साहू जब तक के वो वफादार हैं जब तक के वो इस्लाम के वफादार हैं मुसलमानों के खालिस हैं मुसलमानों के लिए उनकी चीजें खालिस हैं जब तक के वो उनके लिए हरज नहीं है अल्लाह और रसूल के लिए उनको वफादार होना पड़ेगा माँ अल मोहसिन अल्लाह कहते हैं कि महसिन के ऊपर कोई सबील नहीं कोई राह नहीं है कुछ उनकी पकड़ना होगी गफूर रहीम है अल्लाह वाला मा अः मिला हम उन्ही लोगों की बात आ गई ना तो उन लोगों की पकड़ होगी जो आपके पास आते हैं कि हमें सवारी दे दें कुलता ला अजीदुमा अहमिलुकुम अलै और आप उनको कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है कि जिस पर मैं तुम्हें सवार कर सकूं वो वापस मुड़ जाते हैं व आयुनहुम तफीडु मिन अदम और उनकी आंखें आंसुओं से बह रही होती हैं हजना तकलीफ की वजह से अल्लाह यजिदु मा ينफखून कि वो नहीं पाते हैं कि वो कुछ खर्च कर सकें उनका दिल ये चाहता है कि अल्लाह की राह में निकले, लेकिन वो अल्लाह के लिए कुछ खर्च करना के लिए नहीं पाते वो खालिस होते हैं उनकी उनकी सारी ख्वाहिशें उनकी ज़रूरतें सब अल्लाह ही के लिए होती हैं उनकी मोहब्बतें अल्लाह के लिए हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह के लिए काम करें निकलें आगे बढ़े लेकिन उनको हालात निकलने नहीं देते हैं वो वाकई ही में मजबूर है ऐसे शख्स के लिए अल्लाह कहता है कोई हरज नहीं है इन हुए इल्जाम तो सिर्फ राह तो सिर्फ कसूर तो सिर्फ उन लोगों के ऊपर होगा जो आते हैं आपसे इजाजत लेते हैं वह हम अगनिया हैं हम अपना हाल देखें हमारे पास कोई मांगने आता है सवाल करता है और अब हम अब हम उनको ना दें अगर आपके पास ताकत है अगर आप मदद कर सकते हैं तो जरूर मदद कीजिए यही बेसिस बनती है कि जो मांगने वाला आए आप उसको दे दें क्योंकि अल्लाह ने आपको दिया है अगेन अल्लाह का माल नहीं है ये अल्लाह ने आपको गनी किया है इल्जाम सिर्फ उसी पर है जिसके पास वो है और वो ना दे रदू भी माल रवालिफ क्योंकि उसने पीछे रहने वालों के साथ को पसंद किया था वह तबाह हो अगर खर्च नहीं करेंगे अल्लाह मोहर लगा देता है उनके दिलों के ऊपर अब वो समझ नहीं सकते कि मौका मिलता है रिसोर्सिस भी हैं हमारे पास हम जा भी सकते हैं बाद हमारी बहुत सी बहनें घर के कामों की वजह से कुरान की क्लासेस में नहीं जाती हैं मैं कुरान, ये इस रमजान की बात नहीं करी जनरली अब वो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता लेकिन अगर ऐसे लोगों के पास अल्लाह ने इतना दिया है कि वो क्लास में चली जाए और पीछे से कोई नौकरानी उनका काम कर ले तो उन वाजिब होगा कि वो नौकरानी घर पर छोड़ के जाए क्योंकि अल्लाह ने उनको यह हैसियत दी है लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि घर के काम से वाकई उसको फुर्सत नहीं है और ना वो कोई नौकरानी अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए जवाब बनता है कि वो नहीं निकल सकते लेकिन हम जैसे लोग जिनके पास अल्लाह ने दिया है कुछ तो कर सकते हैं या कामों को ऐसा शेड्यूल करें कि बल के आप अब नहीं कर सकते बाद में आके कर लें बहुत सी बहने नहीं कर पाती हैं स्पेशली पाकिस्तान के घरों में जब मासियां सुबह के वक्त में आती हैं कि जी काम करवाना होता है और वो खड़े हो काम करवा रही होती आपका टाइम भी तो उतना ही लग रहा है तो उस काम के ऊपर क्या फायदा है उसका मुझे ये समझ में नहीं आती है और इसलिए मुझे आता भी नहीं है काम करवाना कैसे काम करवाए इंसान नौकरानी के ऊपर कैसे छोड़ दे समझ ही नहीं आती है लेकिन बाज होते हैं जो कि छोड़ के पूरा पूरा घर जाते हैं तो होना चाहिए इस तरह या तधि रू ना इलाई इधा रजा तुम वो उजर देंगे आपकी तरफ जब आप वापस लौटेंगे ऐसे लोग जो तो गनी हैं उनका उजर तुम नहीं कबूल करना लकुम वो तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाते हैं कद कद है तुम और तुम्हारा मकसद क्या है अल्लाह कहता है वसै अल्लाह देखेगा तुम्हारा काम अमल तुम्हारा काम अब तुम देखो अब क्या करते हो और रसूल भी रसूल और अल्लाह देख रहे हैं तुम्हारे इन कामों को

वो खाते हैं आपके सामने आप उनसे खुश हो जाए और अगर आप उनसे रजामंदी का आपने इजहार कर दिया आप उनसे राजी हो गए अल्लाह राज़ी नहीं होता फासिकीन से अगर आप उनकी तरफ थोड़ा झुक भी गए तो अल्लाह तो फिर भी राजी नहीं होगा अल आराब अशदरन व नफाकन एराबी ज्यादा सख्त है कुफर और नफाक में यानी बद्दू लोग जिनकी हम कहते हैं ना गांव वाले अपने रिचुअल्स में बहुत ज्यादा सख्त होते हैं वो अपने कबीले से अपने रस्म व रिवाज से निकलते नहीं हैं बनिस्बत शहरी लोगों के तो वही हुक्म यहाँ पे आ रहा है कि एराबी भी बद्दू लोग बहुत ज्यादा कुफर और निफाक में बहुत सख्त होते हैं और इस बात के लायक भी हैं कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो अहकाम नाजिल किए हैं वो उससे वाकिफ ना हों अल्लाह जानता है हिक वाला है वाला यानी ये बहुत मुमकिन बात है कि वो अल्लाह के हदूद से ना जानते हों क्यों क्योंकि वो दूर इतना रहते हैं और उन्होंने कोशिश नहीं की कि आए और आके इल्म हासिल करें वाम आरबी मई मायूनफिकु मघरमन मा और कुछ अराबियों में से ऐसे भी लोग हैं देहाती जो अपने इस खर्च करने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहते हैं कि खर्च करो वो इस खर्च करने को जुर्माना समझते हैं रब बसुम दवा और वो इस इंतजार में रहते हैं कि आपको कोई मुसीबत आ जाए यानी गर्दिश के वक्त का इंतजार करते हैं, रहते हैं अल्लाह कहते हैं ये, होना, ये गर्दिश होना बुरी चीजों का अहाता करना यानी बुरी चीजें अहाता करें तुम्हारा तुम पे वापस आके पड़ेगा ये तुम्हारा है गर्दिश करना बुरा अल्लाहअलीम बेश अल्ला समी और अलीम है व मिन अल आराबी मई योमिन बिल्ला व्योमिल आखिर और अराबियों में से ऐसे जो ईमान नहीं लाते हैं अल्लाह पर और आखरत के दिन पर ईमान लाते हैं सॉरी मई योमिन बिल्ला पर और आखरत पर ईमान लाते हैं वायून फिकुबातला और वो समझते हैं जो भी खर्च करते हैं अल्लाह के नज़दीकबत हासिल करने का जरिया और सलावा तरसूल रसूल की दुआओं का जरिया जो कुछ खर्च करते हैं वो इसको क्या समझते हैं कि इससे अल्लाह की हासिल होगी और नबी की दुआएं शामिल हाल होंगी अलहा उनको बता दो खबर खबरदार खبر, कर दो कि ये ही उनकी का जरिया है अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में शामिल करेगा बेशक के गफूर्रहीम रहमत में दाखिल करेगा वह सबकून अलवलून जो ईमान लाए थे महाजरीन और अनसार इन, में से और लदीना तबाह हूँ और उन्होंने और उन लोगों ने जिन्होंने इनकी इत्तबा की यानी मुहाजिर की और अनसार की बे एहसान नेकी के कामों में अल्लाह ताला फरमाता है वह साबिकून अव्वलून जो सबकत ले गए थे पहले से यानी जो ईमान लेकर आए थे महाजरीन और अनसार लोगों में से उनकी सिफत बयान कर रहा है और उनके लिए अनामत का अल्लाह जिक्र कर रहा है महाजर और अनसार और ऐसे लोग जिन्होंने उनकी की महाजिर और इंसार की वैसे ही काम किए एहसान के साथ निकी के कामों में लगे रहे अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह राजी हो गया उनसे वन और वो राजी हुए उससे वह जन्नात अल्लाह ने तैयार किया है उनके लिए बाघात जिनके नीचे नहरे हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे ये सबसे बड़ी कामयाबी है वह मुमन हाउ मिनल आरा मुनाफिकून जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं उनमें भी कुछ मुनाफिक ऐसे हैं और अहले मदीना में से यानी मदीना में भी और अरब के अराउंड में भी कुछ मुनाफिक ऐसे हैं मरदू अल निफाक वो निफाक के ऊपर बहुत सख्त हैं ला तालमु तुम उनको नहीं जानते हम उनको जानते हैं सनो अदिब हम हम उनको अनकरीब दो दफा अजाब देंगे फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटा दिए जाएंगे यानी दुनिया में भी उनको अजाब मिलेगा दो दफ़ा से मुराद कि वो इस दुनिया में भी अजाब मिलेगा और आखरत में भी उनको अजाब मिलेगा या फिर ये कि जब इस्लाम फ्लरिश होगा जब इस्लाम को ताकत मिलेगी तो उनको अजाब उसी तरह मिल जाएगा उनके पोल खुल जाएंगे वो सामने आ जाएंगे तो ये भी उनके लिए अजाब से कम नहीं है या फिर उनकी कब्रों में तो दो दफा का अजाब अल्लाह ने लिखा है वह आखरू नफु भी और कुछ ऐसे हैं ये उन सहाबियों की बात आ गई जिनके बारे में आता आया है कि उन वो आपके साथ नहीं गए थे सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से या कोई और रीजन होगी लेकिन वो अल्लाह के लिए खालिस थे आ, आ, नेक अमल करने वाले थे वो आखरूना कुछ ऐसे हैं लोग जिन्होंने यहाँ पे अल्लाह तुमने मिन नहीं कहा बस कहा आखरून दूसरे लोग तो वो सहाबा हैं जिन्होंने एतराफ किया अपने गुनाह का गुनाह क्या था उनका जिहाद में ना जाने का। खलतु अमलन सालिहन। उनके कुछ अमल, अमल किए ना जाके और अमल नेक तो करते ही थे असल बहुत करीब है इस ये बात कि अल्लाह उनकी तोबा कबूल कर ले बेश अल्लाह गफूर रहीम है खुद मिन अम वालिम सदका अच्छा वो लोग बाद में फिर आए थे आपके पास सदका लेकर कि आप हमारे आप हम हमसे सदका ले लीजिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सदके तो उस पर अल्लाह ताला कहते हैं क्योंकि नबी को दिल का हाल तो नहीं पता अल्लाह ने फिर उनको बताया कि इनसे सदकात ले लो खुज मिन सदका तो काम उनको पाक भी करो उनका तजकिया करो और उनके ऊपर दुआ भी करो बेशक के तुम्हारी दुआ उनके सकून का बायस होती है अल्लाह ताला समी और अलीम है क्यों क्योंकि वो अल्लाह के खालिस बंदे थे अल्लाह के लिए बंदे काम करते थे लेकिन गलती हो गई उनसे और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया ये नहीं कहा मेरे पास तो ये था मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं आने दिया या मेरे मेरी बीवी मुझे नहीं मना कर रही है या मेरे पास बच्चों का कोई बहुत बड़ा काम है इस तरह के फजूल उजर उन्होंने पेश नहीं किए थे उन्होंने जुर्म कबूल किया हाँ हमसे गलती हुई है अब हमें माफ़ी दे दीजिए अलम अल्लाह दीजिएम्लाकबलोबाबाद ही क्या उन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह है जो तोबा को कबूल करता है अपने बंदों से सदकात और कबूल कर लो उनके और कबूल करता है को बेशक वो तवाव और रहीम है वकुल कह दो उनको कि काम करते रहो अल्लाह देख रहा है तुम्हारे कामों को और उसका रसूल और मोमिन भी वह व शहादा जो गैब और जाहिर का जानने वाला है उसकी तरफ तुम लौटा दिए जाओगे फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम कुछ करते रहे हो और दूसरों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका मामला मुलतवी कर दिया वो अभी उम्मीद में हैं अल्लाह के हुक्म के आने तक इम्मा इम्मा व इमाजायतुब अलैहिम कि अल्लाह उनको अजाब देगा या अल्लाह उनको माफ कर देगा अल्लाह अलीम और हकीम है और उन ऐसे लोगों का आयत में आगे की आयत में जिक्र आ रहा है ये जो पिछली आयत नंबर हंड्रेड एंड टू में आया है ना ये कुछ तकरीबन सात आठ सहाबा थे जो आए थे आपके पास ये कहने के लिए मतलब अपना अः एतराफ करने के लिए तो आपने उनसे मुंह मोड़ लिया था नहीं सॉरी सॉरी उनके आने से पहले ही नबी नबीम की पता चल जाता था ना जब काफला काफला आ रहा है तो उनके आने से पहले ही क्योंकि पता था अब उनसे मिस्टेक हो गई है तोबा कैसे होगी नबी मौजूद है नबी माफ करेंगे या अल्लाह माफ करेगा तो नबी के आने से पहले ही मस्जिद में उन्होंने सतूनों के साथ अपने आप को बांध लिया था वो जो अभी भी हम कहते हैं सतूने अबुलुबाबा नाम सुना है आपने मस्जिद में किताबों में लिखा हुआ है जब आप उम्रे के लिए या हज के लिए जाते हैं कि मस्जिद में एक सतून है उसका नाम अबुलबाबा है यानी वो अबुलबाबा ने अपने आप को वहां पे बांधा था और उन लोगों ने अपने आप को बांध लिया था और कहा था कि जब तक हमें माफी नहीं मिलेगी हम यहीं पड़े रहेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते इंतजार कर रहे थे तो अल्लाह ने उनकी सब उन ऐसे लोगों की तोबा कबूल की थी लेकिन कुछ का इरादा कुछ की तोबा को अल्लाह ने मुलतवी कर दिया वो बाद में आएगा अगली आयतों में अभी उनका जिक्र बस यही मेंशन है यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक है वल्लिन तस्जिद मस्जिद दिदार। नाम उसका डाला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बनाई मस्जिद नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफर की हालत में व तफरीकम बैन और उन्होंने बनाई इसलिए थी ताकि मोमिन के दरमियान में तफरीक डाल सके और उनका मकसद था वह के घाट लगा कर बैठे उसके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से उससे पहले जंग कर चुके हैं उनका क्या मामला था कि कुछ मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाई इसलिए ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं कहने का मकस अः बनाने का मकसद उनका था हाँ जासूसी करने के लिए एग्जैक्टली मकसद उनका यह था कि कुछ शख्स बाहर की कॉमों से जाके मिल गए थे और उन्होंने कहा था कि हम बाहर से तुम्हें इतला देंगे लेकिन हमारे अंदर स्पाइस तुम्हारे इस मदीने में रहने चाहिए तो उन्होंने मदीना के करीब में मस्जिद बनाई नाम होगा मस्जिद का कि मुसलमान है लेकिन अंदर से वो कुफर की हालत होगी और ये कि वहां पे जंगी प्लानिंग होगी मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग होंगी उनका मकसद था कि मुसलमानों के दरमियान फूट डालें और वो अः वो यो हलना जब अल्लाह ने उनका खोल दिया तो वो कसम खाने लग गए कि उनका इरादा सिर्फ आ, भलाई का इरादा है अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो लोग झूठे हैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए थे जब तक बुक पे जाने का वक्त हो गया था आपके पास वो आए और उन्होंने कहा कि आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ लें नमाज पढ़ने का मकसद ये था क्योंकि एक गारंटी मिल जाएगी कि नबी नबीम ने नमाज पढ़ी है तो ये मस्जिद सही मस्जिद है नबी सासम को तो कुछ मालूम नहीं उन्होंने कहा बनाई होगी मस्जिद लोगों ने और उन्होंने कहा क्या था कि ये वहां के लोगों को मस्जिद नबी आना जरा दूर पड़ता है तो मस्जिद अगर हम करीब बना लेंगे तो वहीं पे जल्द नमाज पढ़ सकेंगे मस्जिद के अंदर क्योंकि आप तबू की तैयारियों में मशगूल थे आपने कहा मैं वापस आके नमाज पढ़ाऊंगा अभी नहीं पढ़ाना अब नबी को अल्लाह ने मना कर दिया तकुम फी ही दन, अब इसके अंदर आपने खड़ा नहीं होना है क्योंकि मस्जिदें तो वो होती हैं जिसकी बुनियाद तकवा पर होती है मिन अवली पहले दिन से अहक को अहकूम और ये के ज्यादा हकदार है आप वहां पे क्याम करें जिन मस्जिदों की बुनियाद तकवा पर होती है फी ही रिजालन

जो वो करते थे करते थे वो ढेलों से होता था यहाँ के लोग ऐसे थे जो पानी से इस्तंजा करते थे तो अल्लाह ने उनकी इस बात को इतना पसंद किया उन उसके बारे में आयत उतार दी फी ही रानू ये तोहरू पाकिजगी पहले वो अपने आप को पाक पहले भी करते थे सब पाक करते हैं लेकिन यह तशदीद के साथ आया है जोर दे के कि वो और ज्यादा पाकी लेते हैं जैसे हमारे गुसले जनाबत में या गसले हज़ में हमें दिया जाता है कि पाकिजगी पाकि हासिल करो कैसे और ज्यादा अच्छी तरह से पाकिजगी नॉर्मल वजू से नॉर्मल नहाने से वो पाकिजगी हासिल नहीं होती है इसी तरह वो लोग भी तहारत हासिल करते थे और अल्लाह तहारत हासिल करने वालों को पसंद करता है अफाम बुनिया ना हो क्या जिसकी बुनियादें जिसकी अः बुनियादें तकवा पर हो मिनल्ला अल्लाह के साथ जिस इमारत की बुनियाद जिस इमारत की बुनियादों में तकवा हो अल्लाह की तरफ से और उसकी खुशनुदी हो वो बेहतर है या वो वो इमारत बेहतर है जिसकी बुनियाद में जिसकी बुनियादें अला शफा जुरूफिन हारन ऐसे किनारे पर हो जो ऐसे गार के किनारे पे हो जो कि अभी गिरने वाली हो ऐसी इमारत जो बिल्कुल गार के किनारे पे के नीचे खाई हो ऐसी इमारत अच्छी होगी या ऐसी इमारत जिसकी तकवा पर बुनियाद पड़ती है फनहार अभी ही जो गिर ही जाने वाली हो फी नारी जहानमा फिर वो गिर ही जाएगी भी ही उसके बनाने वाले के साथ ही उस जहन्नम की आग में अल्लाह ताला जालिम कौम को पसंद नहीं करता हिदायत नहीं देता है ला यजालु बुनिया बनाओ रीबा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इमारत जो बनाई गई है रीबतन उसमें फी कुलूबिहिम उनके अंदर शक है उनके दिलों में इलाब हूँ नतमी उन्होंने जो इमारत बनाई है वो हमेशा उनके दिलों में खटकती रहेगी इल्ला ये के उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है यानी उनके दिलों में ये बात खटकती रहेगी कि इससे अजाब मिलेगा उनको आखिरत में अजाब मिलेगा वो अपनी जगह मुस्तकिल बात है उसकी वजह से इनके दिल हमेशा शक में पड़े रहेंगे अल्लाह ने खरीद लिया है की जानों को और उनके मालों को भी अन्ना जन्ना जन्नत के बदले में अल्लाह ने मोमिन की जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में तो हमारा काम क्या है कि अपनी जान माल अपनी वतें अपनी इस्तात तमाम की तमाम उस जन्नत के बदले में खर्च करें युका फी सभी अल्लाह की राह में लड़ते हैं व यकलूना वो मारते भी हैं कत्ल भी करते हैं और कत्ल खुद भी हो जाते हैं सच्चा वादा किया गया है अल्लाह का औरत और इंजील और कुरान में और कौन है जो पूरा वमन अवफा भी आदही मिनल्ला अल्लाह से ज्यादा अच्छा सच्चा वादा किसका हो सकता है पूरा होने वाला वादा और कौन सा हो सकता है फस्तब शुरू बाम तो इनको बशारते दे दो खुशियां मनाओ तुम अपने उस आ, सौदे के ऊपर बाई के ऊपर जो तुमने अल्लाह से किया है और यह सबसे बड़ी कामयाबी है अताबिद तोबा करने वाले इबादत करने वाले हमदोसना करने वाले रोजा रखने वाले रुकू करने वाले सजदा करने वाले नेकी का हुक्म बुराई से रोकने वाले अपनी हदूद की हिफाजत करने वाले इनको बशारत दे दीजिए वो मोमिनीन को खुशखबरी सुना दें मोमिनीन की सिफात आ रही है ये नौ सिफात जिक्र की गई हैं तौबा करने वाले आबिद इबादत भी करते रहते हैं अल्लाह की तारीफ बयान करते रहते हैं रोजा रखते हैं सफर में भी हो तो भी रोजा रखते हैं सफर करते हैं, रा, करते हैं सजदा करते हैं नेकी और बुराई के नेकी से उभारते हैं बुराई के कामों पे रोकते हैं अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते हैं हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में आले आले में हम पढ़ के आए थे कि अल्लाह की हुदूद की हिफाजत क्या होती है याद है किसी को हुदूद अल्लाह की हुदूद क्या है अल्लाह के अहकाम और जिससे मना किया है उससे करीब भी नहीं जाना हर वो वादा हम जो अल्लाह से करके आए हैं एक हद हमारी बता दी गई ये करना है फ्रंटियर्स का भी हदूद है उनकी भी हिफाजत करनी है सरहदों की और अल्लाह की शरीयत की हदूद भी हमें बता दी गई उनकी भी हिफाजत करनी है ऐसे लोगों को अल्लाह कहते हैं मोमिन को बशारत दे दीजिए के लिए कि वो असतफार करें मुशरकन के लिए चाहे वो उनके खराबत ही क्यों ना हो इसके बाद जब उनके पास सब कुछ खुल के सामने आ गया ये कि वो जहनम वाले हैं और लोगों ने एक सवाल ये उठाया था कि इब्राहिम भी तो अपने बाप के लिए इस्तार करते रहे हैं तो हम भी इस्तार करेंगे उस पर अल्लाह का जवाब है ममा कान इब्राहिम का इस्तार अपने बाप के लिए और कुछ ना था मगर ये कि उस वादे की वजह से था जो उसने अपने बाप से कर लिया था कि मैं आपके लिए इस्तार करता रहूंगा लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास याहू फलम तबैय्या लहु منه. लेकिन अब क्योंकि हमारे लिए सब कुछ खुल के सामने आ गया है अब हमारे लिए जायज नहीं कि किसी भी मुश्र के लिए ये बात हो सके उन्होंने अपने बाप से वादा किया था और जब ये सब कुछ उन पर वाजिया हो गया फलम्मा तबैया न लहू वो दुश्मनों में से है तो बेशक उन्होंने उससे बेतालुकी का इजहार किया था इन्ना इब्राहिम हलीम के इब्राहिम बड़े ही रहीम और हलीम है रहम दिल हैदा हूँ अल्लाह ताला का ये तरीका नहीं है कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे यहाँ तक के वो बता ना दे जिससे वो बच रहे हैं यानी आम, जिस जिन चीजों से भी वो बचते रहते हैं जब तक कि अल्लाह ताला के अल्लाह ताला खोल के बयान नहीं कर देता अल्लाह किसी कौम को गुमराह नहीं करता है इन अल्लाह बिकुल लिशा अलीम बेशक हर चीज पर अल्लाह ताला जानने वाला है उसका इल्म किए हुए इम अल्लाह लहू मुल समावाती के लिए है आसमानों और वही मारता है वही जिंदा करता है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई हामियों मददगार ना होगा ये आई है आयत जिसमे उन सहबियों की तोबा के बारे में है लकत नबी वहाजरीना वल

उनकी इतबा की थी अल्लादीन तबाह जिन्होंने इतवा की थी इस मुश्किल वक्त में वही बैटल का है उनके, दिल में एक कजीसी आ गई थी। उनके दिलों में तजल्स आ रहा था जाए कि ना जाए पीछे से इतनी सारी बातें जैसे हमने बात की थी कि गर्मी के दिन थे लंबा रास्ता था सहरा रास्ते में आता है आगे से इतनी बड़ी कौम है फसलें तैयार खड़ी है उनके लिए लेकिन फिर भी उस मुश्किल वक्त में वो आपके लिए निकल चले थे तो अल्लाह ने उनकी तोबा को कबूल किया बेशक वो रहमान और रहीम है मेहरबान है लदीना ये वो ये उन तीन लोगों की बातें हैं कि अल्लाह ने उनकी तोबा भी कबूल की ये पिछली आयत से ही जुड़ता है जो पीछे रह गए थे यहाँ तक के ये ऐसे लोग थे कि इनके ऊपर जमीन अपनी वसत के बावजूद तंग हो गई थी और उनका अपनी जाने उनके ऊपर तंग हो गई उन्होंने गुमान किया था कि अब तो कोई जाए पनाह नहीं है मगर अल्लाह के अलावा तुम अलैहिम। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ रुजू किया ताकि वो उनको बख्श दे बेशक के वो तोबा को कबूल करने वाला है और रहीम है और इनके अंदर आ, इसके अंदर आता है कि तीन साहबा थे वो नबी नहीं आए उनको शर्मिंदगी इतनी हुई कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है हम क्या जाके कहेंगे नबी को कि हम, I'm sorry, नहीं, हम नहीं जा सकते और वो इसी चक्कर में आए नहीं आए नहीं नबी के पास नबी जब वो आए भी हैं तो नबी ने उनसे रुख मोड़ लिया क्योंकि वो कुछ कहने के काबिल ही ना थे कहे कैसे कहें कि नहीं जब इंसान को इतनी शर्मिंदगी होती है कि अल्फाज साथ नहीं देते तो नबी ने उनसे रुख मोड़ लिया और नहीं उनको पता था कि क्या हो और मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि इनसे कथा ताल्लुक कर लो इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा पूरा कंप्लीटली सोशली मॉरली फाइनेंशियली हर तरह का उनके साथ बॉयकॉट हुआ था और वो तकरीबन चालीस दिन रहा था चालीस दिन के बाद नबी सल ने कहा अब तुम अपनी बीवियों से भी ताल्लुक तोड़ लो और इंतहा देखिए एताद की कि उन्होंने कहा क्या हम अपनी बीवियों को तलाक दे दें एक बीवी थी जो उनके साथ सहारा थी थोड़ी बहुत और वो पूछते हैं क्या अभी भी इतनी उनमें ये था कि इताद ऐसे इता ये इसको इतबा कहते, कहते हैं तो इता... तो पूछा क्या वो नबी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया था कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है बस ताल्लुक नहीं रखना है पचास दिन उनके इस तरह गुजरे थे इमेजिन कीजिए कि आपके बाहर निकलें आपको लोग ऐसा फील करवाएं कि आप एग्जिस्ट नहीं करते पचास दिन माँ का आना लिया है फिर आखिर में ने उनकी तोबा कबूल की थी और लोग भागे हुए गए थे उनके पास कि तुम्हारी तोबा कबूल हो गई जब ये आयतें उतरी तो लोगों ने जाके उनको बताया खुशी मुसलमान खुश थे और हर एक ऑब्वियसली इंतजार में था कि इन तीन सहावियों का क्या मामला होगा फिर जब ये आयतें उतरी हैं लोग भाग भाग के खुशखीते रहे थे। आयत नंबर हंड्रेड एंड ट्वेंटी मदीने वाले माँ कान अली अहल मदीना मदीने वाले और जो उनके उनके सराउंडिंग्स में उनके इर्द गिर्द में बद्दू हैं उनको ये जेबा नहीं देता कि रसूल रसूल अल्लाह के साथ जाने से पीछे रह जाएं ला यरगबू भी अनफुसहिम अन्नफसी और ये बात के वो रसूल अल्लाह को छोड़कर अपनी जानों को ज्यादा अहमियत दें का भी अन्ना हूं और ये के इस वजह से कि उन्हें जो भी कोई प्यास या थकन या भूख अल्लाह की राह में पहुंचती है वो किसी जगह जो भी कदम रखते हैं जिससे काफरों को जलम जलन होती है और दुश्मन से जो भी कोई चीज लेते हैं तो वो इस इसकी वजह से है कि उनके लिए एक ने, नेकी लिख दी जाए यानी कहा जा रहा है कि अहले मदीना और उनके अराबी इर्द गिर्द के कोई भी पीछे नहीं रहने वाला है ये जब तक अपनी जानों से अजीज ना समझेंगे और आपके साथ जाने को और उनके साथ जो भी मुश्किल आती हैं रास्ते में या इस अल्लाह की राह में किसी भी तरह की अल्लाह ताला उसके बदले में एक नेकी उनके लिए लिख दिया जाता है इन अला लाउदी अजर मोहसिन मोहसिन का अजर अल्लाह जया नहीं करता है वो लोग जो कोई भी छोटा खर्च करते हैं या किसी के मैदान को या या बड़ा या किसी मैदान को पूरा अबूर करते हैं इल्ला ये कि उनके लिए लिख लिया जाता है एक अच्छा अमल अल्लाह ताला उनके इस अमल को अच्छे से अच्छा बदला देगा वमा का अफवा बताया जा रहा है कि अगर तबुक का वाक्य तो ऐसा था ये एक खास वाक्य था जिसके अंदर सबको कह दिया गया था जनरली सबको जिहाद में निकलने का हुक्म नहीं होता है तो कहा गया उनको मोमिनो को कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए सबका जाना जरूरी नहीं माफा मा मा सबको जाना जरूरी नहीं है मिलकर फलाउल ताइफतुन तो ऐसा ना हो कि तुम सब चले जाओ हर हर बड़े फिरके में से एक ग्रोह को जहाद में जाना चाहिए ताइफा एक ग्रोह को जाना चाहिए ताकि पीछे जो रह गए हैं लिए दीन ताकि वो समझ बूझ हासिल करें दीन की समझ बूझ हासिल करें और वो डराए अपनी कौम को जब वो वापस आए या दरून शायद के इससे वो बच के रहें एहतियात करें गैर मुसलमाना रविश इख्तियार ना करें कहने का मकसद है कि सारे के सारे निकल के जहाज पे ना चले जाए जहाज का पता है कि इतना है लेकिन इसका इल्म हासिल करना भी पीछे बहुत जरूरी है पता चलता है कि इल्म हासिल करना कितना जरूरी है कि सारे हमें पता है कि जहाद में जाना सबसे अफजल तरीन इबादत है लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने बता दिया सब उठ के ना चले जाओ क्यों पीछे रहो पीछे रह के इल्म हासिल करते रहो ताकि शरीयत के वो अहकाम जो जब वो वापस आए उनको बताओ यादीका कुफारी ए ईमान वालों जबकि जबकिफारे जो नजदीक में तुम्हारे जो तुम्हारे से नजदीक में है यानी तुम्हारे अंदर ही जो मुनाफिक मौजूद होते हैं उनकी बात हो रही है ए ईमान वालो डरो नजदीक में है वल यजिदू फीकुम गिलगा उनको चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए के उनके साथ नरवी का मामला नहीं करना है अब एक रियासत हो चुकी है तो अब इनके साथ का मामला नहीं करना है बेशक के अल्लाह मुतकी के साथ है जान लो माँ उन और जब भी कोई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से वो कहते हैं उनमें से कुछ लोग कहते हैं नहीं मई यकुल जो कहता है अय्य कुम ज्यादत हु मुनाफिकों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ईमान कि है, वालों का तो वाकई ही में ईमान ज्यादा हो जाता है और वो खुशियां मनाते हैं और जिनके दिलों में रोग है उनकी गंदगी को अल्लाह और ज्यादा कर देता है इलाज से हिम उनकी पुरानी गंदगी के साथ और नई गंदगी यानी और उनके ऊपर अजाब आ जाता है और वो इसी हालत में मरेंगे जबकि वो काफिर होंगे अवला अवला या अन्ना आमिन। या अवलाउना क्या तुम क्या वो नहीं देखते हैं कि उनको फितने में डाल दिया गया साल में हर साल में एक दफा या दो दफा तुम अला वो फिर भी तौबा नहीं करते हैं और ना ही नसीहत हासिल करते हैं यानी साल में एक दो दफा ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि उनकी आजमाइशें हो जाती हैं छोटे मोटे अहकाम जैसे आते रहते हैं नमाज पढ़ लो जक़ात दे दो वो दे देते हैं वो कर लेते हैं लेकिन जब जहाँ कोई कुरान का कोई ऐसा हुक्म आता है जो उनको पसंद नहीं होता उन उनपे सख्ती आ जाती है तो ये उनके लिए एक तरह से आजमाइश आती है या कोई ऐसा दीन का मुत, मुतालबा जिसको वो पूर, पूरा करना पसंद नहीं करते तो अः फिर उनको मुश्किल आती है तो इसी की तरफ अल्लाह ने रेफर किया है कि साल में एक दो दफा उनके लिए ऐसे मौके आते हैं वो फिर भी नहीं कबूल करते किसी अः फिर भी तोबा नहीं करते और ना ही नसीहत हासिल करते हैं सूरा और जब भी कोई सूरत नाजिल होती है उनकी तरफ, जब अल्लाह कोई सूरत नाजिल करता है तो उनमें से बाज लोग कहते हैं बाज लोग नजर आबादाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं हल आहद वो ऐसे देखते हैं कि जैसे के देख रहे होते हैं तुम्हारी तरफ देखते हैं कि कहीं तुम तो नहीं उनको देख रहे कि हमें कोई देख तो नहीं रहा इस तरह वो एक दूसरे को देखते हैं हल कि कहीं तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा है तो मनसरफ हो। और जब वो देख लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा तो वहां से चले जाते हैं यानी चुपके से खिसक लेते हैं खिसकने का वर्ड आपको समझ में आता है ना कि कैसे खिसकता है इंसान किसी मुश्किल वक्त में तो उसी तरह वो भी खिसक जाते हैं सरफ अल्लाह खलूबा हूँ अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए हैं अब उनको किसी बात की समझ नहीं आएगी लेकिन मोमिनी का हाल अल्लाह बताता है आयत नंबर 120 आखरी दो आयतें 28 एंड 29 तुम्हारे अंदर तुम्हारी, ही में रसूल आए तुम्हारी ही तरह का एक शख्स आया है जो तुम में से है आजीजो माँ तुम तुम पर सख्तियां उन्हें मुश्किल में डालती हैं बहुत गिरा गुजरता है उन पर जो सख्ती तुम्हें आती है वो तुम्हारी खैर ख्वाही के बहुत ज्यादा हरीस है मोमिन के साथ रऊफ़ और रहीम है बहुत शफक़त वाले हैं शफीक और रहम करने वाले हैं यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा दुख पहुँचता है जब किसी मुसलमान को कोई गम या तकलीफ पहुँचती है फ इन फिर अगर फिर अगर वो रूगर्दानी कर दें कोई भी उनमें से भी कोई रूगर्दानी करे फ़कुल हसवी अल्लाह तो आप कह दीजिए अल्लाह काफी है ला अला उसके सिवा कोई माबूद नहीं है उसी पर मैं तवक्कुल करता हूँ वह हुआ अज़ीम और वही है रब जो तमाम जहान का मालिक है और इसके बारे में आता है ये आयत हसवी अल्लाहू इल्ला ये ऐसी आयत है कि इसको हमारे सुबह शाम की आयतों में सॉरी दुआओं में हमें पढ़ना चाहिए स्पेशली फजर के वक्त फजर के बाद और मगरिब से जस्ट पहले मगरिब का वक्त ऐसा होता है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और हमें रोज सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो मगरिब से पहले और फजर की नमाज के बाद अदा करने ال سيدنا محمد وبارك وسلم वसलम अल्लाह اپنی हमें तोफीक देना कि हम अपनी सलाहियतें सलाहियतों से भरपूर फायदा उठा सकें अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे हमारे सीनों को कुशादा कर दे हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे हमारे रिश्तेदारों की मोहब्बतों को अपनी मोहब्बत पर फोकियत ना देना अल्लाह ताला हमें साविरन शाकिरीन में से शुमार करना अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोले जो सीधे जन्नत में ही लेकर जाते हों अल्लाह तला हमारी दुनियावी काम भी सब संभाल ले जिसका तू मालिक बन जाता है अल्लाह उसका कोई और हामी और नासिर नहीं होता या अल्लाह तू हमारा हामी नासिर बन जा हमारे लिए रास्ते आसान कर दे अल्लाह ताला हमारे मरीजों को शिफा देना अल्लाह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करना जो जायज़ ज़रूरतें हैं जिनसे हम तकवा हासिल कर सकते हैं वो जरूरतें जिनसे हम जन्नत हासिल कर सकते हैं अल्लाह ताला तू उन सब को पूरा करना हम सब के घरों में हमें सुकून बख्शना अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सेहत सलामती के साथ रखना उनके ऊपर रहम करना या अल्लाह जो जा चुके हैं माँ बाप में से मोमिन में से अल्लाह ताला उन सब पे अपनी रहमत का साया करना अल्लाह ताला तू हमें माफ कर देना रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतस तवाबुर रहीम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन um assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i think if i leave ho jayega to oh i don't know who's hosting. hmm